गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारिया नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? बच्चा कहता है वधिया वधिया, तुसी सुनाओ की हाल चाल तुहाडे? आपा भी एकदम वधिया जी, तुहाडे पेरेंट्स दियां ब्लैसिंग ने, तुहाडा आशीर्वाद है, बहुत सारी दुआएं हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कई बच्चे तो ना समझ ही नहीं पा रहे, सही बताऊं, कई बच्चे कह रहे इधर दौड़ते हैं 10 मिनट बाद फिर इधर आते हैं, फिर 10 मिनट बाद इधर आते हैं, सर यही काम चल रहा है हमारा। तो पहले बताओ, रिटर्न वाला चैप्टर और पेमेंट वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया? ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में डाल देना। वैसे उम्मीद करूंगा चैप्टर बिल्कुल आसान था, उसमें डाउट्स का कोई मतलब बनता नहीं है, बट अगर फिर भी अगर डाउट्स होंगे छोटे मोटे तो कमेंट बॉक्स में डालना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, चैट बॉक्स में लाइव में मत डालना, सारी डिस्टर्बेंस होती है। देखो, और आप ना अच्छे बच्चे बन के बनाओ, मतलब अच्छे बच्चे बन के दिखाओ मेरे को कि सर देखो हम सबसे अच्छे बच्चे हैं, हम आपकी बात मानते हैं। और पता है मैं आपके लिए 2 लाइनें लिख के लाया हूँ आज, पता है? आपने वो भजन सुना होगा, भजन सुना आपने? भजन सुनते हो? वो भजन सुना होगा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बच्चा कह रहा है ये भजन कौन सा, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में? हाँ तुमने तो वो सुना होगा, चलो ले चलूँ तुम्हें तारों के शहर में। हाँ यही गाने सुनते हो तुम, नालायको चला के देखना, ये बहुत बढ़िया भजन है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जब मैं इस भजन को सुन रहा था ना कल, तो मेरे दिमाग में विचार आया, मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ लाइनें, मतलब बच्चों के लाइनें कुछ फिट करता हूँ। मैंने 2 लाइनें फिट की हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे बैठे हैं मेरे सीने में, छोटे छोटे मेरे बच्चे बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे। ओह माय गॉड, बच्चा कह रहा सर कमाल कर दिया आपने, ये आपके लिए लाइनें लिखी हैं दलनाले को, ऐसे मजाक मत उड़ाऊ मेरा। चलो जी इधर देखो ध्यान से, तो फाइनली फटाफट सारे एक तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दो जी, टेलीग्राम में मैसेज कर दो कि हाँ भाई सर आ गए हैं और आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही स्टार्ट करने से पहले ना सर सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि सिंगल बच्चे ने बिना बात की फिजूल की चैट नहीं करनी। देखो हाँ, जहाँ मैं कहूँगा पार्टिसिपेट करो, हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन बनता है, चाहे वो मेरे एग्जीक्यूटिव की फैमिली के बच्चों, चाहे वो प्रोफेशनल वाले बच्चों, इवन अगर कोई सीए वाला बच्चा है उनके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है जी। आप सब जानते हो आज हम चैप्टर स्टार्ट कौन सा करने जा रहे हैं, ठीक है? कई बच्चे मुझे मिस कर रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे पता है। बच्चा कहता है सर आप लाइव आते हो ना, आप थोड़े बहुत हमारे नाम बोलते हो, हिमांशी हो गया, शिवानी हो गया, निकिता हो गया, प्रखर हो गया, हिमांशु, कई बच्चों के नाम बोलता हूँ, उन्हें बहुत बढ़िया लगता है। कोई बात नहीं, कल से मेरे को लाइव ही आना है 10 बजे, टेंशन मत लो। मैंने वाईफाई वालों की लेनी देनी कर रखी है, मैंने कहा भाई साहब नहीं तो अपना वाईफाई उतार के ले जाओ, नहीं तो मेरे बच्चे मुझसे परेशान कर देंगे मुझे। कह रहे टेंशन मत लो सर, आपके लिए बस ये ध्यान रखना कल मैं कैसे भी, चाहे मेरे को सुबह अपना नया वाईफाई लगवाना पड़ जाए, 10 बजे आपका भाई लाइव आएगा जी, ठीक है जी? तो टेंशन मत लेना, बट आज मेरी फैमिली का हर बच्चा बहुत ध्यान से चैप्टर देखेगा, कोई फिजूल की बातचीत नहीं होगी, सारी बातें हम समझेंगे, वन बाय वन कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है जी? उम्मीद करूंगा सारे बच्चे अब जुड़ चुके होंगे, क्लास स्टार्ट करें पक्का पक्का। लो जी इधर देखो ध्यान से जी, लो जी आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है ना, चैप्टर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम है दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी। अच्छा इस चैप्टर के ना कई सारे और भी नाम है, और ये चैप्टर हमारा एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, इस चैप्टर को हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, एक तो हमारा अभी 10 बजे है और एक कल हमारा लाइव प्रीमियर दोबारा से होगा, ये दूसरा पार्ट खत्म होगा, फिर कल 10 बजे जो मैं लाइव आऊंगा, मेरे ख्याल से कल 10 बजे हमारा टॉपिक कौन सा है जी, मेरे को ध्यान आ रहा है कल 10 बजे हमारा टॉपिक है शायद रिफंड अंडर GST और कॉम्पनसेशन एक्ट, वो कल हमने 10 बजे लाइव करना है, ठीक है? तो कल इसका पार्ट नंबर 2 लाइव प्रीमियर चलेगा, फिर कल 10 बजे मैं लाइव आऊंगा, उसमें रिफंड की बातें करेंगे और हम कॉम्पनसेशन एक्ट की बातें करेंगे जी, ठीक है? इधर सुना ध्यान से, अब जो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। इस चैप्टर के ना और भी कई सारे नाम है, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से किसी भी नाम से बने तो समझ जाना कि क्वेश्चन वो इस चैप्टर का है। इस चैप्टर का एक नाम है कंसेशनल स्कीम, इसको हम बोलते हैं कंसेशनल स्कीम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, इसको ये स्कीम भी बोलते हैं, इसको ऑप्शनल स्कीम भी बोलते हैं, इसको फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम भी बोलते हैं, इसको प्रिजम्प्टिव स्कीम भी बोलते हैं, ये कई सारी वैरायटी के नाम है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने इनमें से किसी भी नाम से तो घबराने की बात नहीं है, ये बोलने की बात नहीं कि पेपर बाहर से आ गया, इट मीन्स वो क्वेश्चन इस चैप्टर का बना है जी।
दोबारा बोलो फटाफट से, उम्र फटाफट से बोलो, इस चैप्टर के कौन कौन से नाम है? मेरी नाम भी आपको पता होने चाहिए सर, कौन कौन से नाम है? पहला नाम है कॉम्पोजिशन लेवी का, सबसे मेन नाम क्या है इस चैप्टर का? सबसे मेन नाम है दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी। एक बार दोबारा बोलो, इस चैप्टर का सबसे मेन नाम है कॉम्पोजिशन लेवी। इस चैप्टर के और भी कई सारे नाम है, कौन कौन से नाम है? कंसेशनल स्कीम हो गया, स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसमैन हो गया, ऑप्शनल स्कीम हो गया, फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम स्कीम हो गया, और प्रिजम्पटिव स्कीम हो गया। ये सारी चीजें जो होंगी ना आपकी इस चैप्टर की होंगी। अब एक बच्चा कहता है यार विवेक सर ने ना जब हमें 13 चेक पॉइंट लिखवाए थे, उन 13 चेक पॉइंट में कहीं पर भी इस चैप्टर का नाम ही नहीं था, क्योंकि चेक पॉइंट नंबर 1 सर ने कराया गुड्स और सर्विस का, उसमें बातें नहीं होती। चेक पॉइंट नंबर 2 सप्लाई का था, 3 प्लेस ऑफ सप्लाई का था, 4 टैक्सेबल पर्सन का था, 5 एग्जम्पशन का था, 6 वैल्यू का था, 7 हमारा था रेट का, 8 हमारा था हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, 9 टाइम ऑफ सप्लाई का था, और 10 में था एम 4 आर आईटीसी, उसमें भी नाम नहीं था। फिर 11, 12, 13 में भी कहीं नाम नहीं था। तो अगर ये 13 चेक पॉइंट में कहीं पर भी कवर नहीं था तो ये चैप्टर क्यों आ गया? इधर सुना ध्यान से, पहली बात तो पूरा जीएसटी एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ। जी मैं दोबारा बोल दूं, पूरा जीएसटी एक तरफ, ये चैप्टर एक तरफ, क्योंकि ये चैप्टर जब एप्लीकेबल होगा, ये चैप्टर जब एप्लीकेबल होगा तो जीएसटी की नॉर्मल स्कीम आपके हाथ में एप्लीकेबल नहीं होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये चैप्टर जिस पर्सन पे एप्लीकेबल होगा उस पर्सन के हाथ में जीएसटी की नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, मेरी फैमिली के ऐसे कितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने इनकम टैक्स में अमेंडमेंट क्लास भी देख ली है, स्टूडेंट दरबार के रिवीजन क्लास भी देख ली है, और रेगुलर बैच भी सबने किया है। या तो इनकम टैक्स में एक नई स्कीम आई है इंडिविजुअल एचएफ के लिए, सेक्शन नंबर 115 बीएसी। अगर मेरी फैमिली के सिंगल बच्चे को भी याद आ रहा हो, सर 115 बीएसी जो नया सेक्शन है इंडिविजुअल एचएफ के लिए, या तो इनकम टैक्स में वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि या तो नॉर्मल स्कीम के अंदर जाओ या स्पेशल स्कीम के अंदर जाओ। ऐसी ही कुछ बातें आपकी इस स्कीम के अंदर भी हैं। मतलब अब जीएसटी में भी गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई पर्सन गुड्स की सप्लाई करेगा, अगर कोई पर्सन गुड्स के साथ में सर्विस की सप्लाई करेगा, या वो सिर्फ सर्विस की सप्लाई करेगा, अगर वो नॉर्मल स्कीम फॉलो नहीं करना चाहता तो वो स्पेशल स्कीम भी ले सकता है। तो वो स्पेशल स्कीम में क्या होगा, वो स्पेशल स्कीम की बातें होंगी। नॉर्मल स्कीम में क्या होगा, वो ऑलमोस्ट हम सारी बातें कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो नॉर्मल स्कीम में हमारी सारी बातें पता नहीं, सप्लाई होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, उसको अलग अलग बाइफर्केशन करना पड़ेगा, गुड्स की सप्लाई को अलग करेंगे, सर्विस को अलग करेंगे, सब में रेट एप्लीकेबल अलग करेंगे, अलग अलग रिटर्न फाइल होंगी, अलग अलग पेमेंट होगी, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। बट कंसेशनल स्कीम में क्या होगा, स्पेशल स्कीम में क्या होगा, वो सारी बातें आज हमें स्टार्ट करनी है। तो पहली बात तो ये ध्यान दो, जब भी कोई बिजनेसमैन नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, चाहे वो गुड्स का होगा चाहे वो सर्विस का होगा, उसके सामने जीएसटी में दो गेट होंगे जी। उसके सामने जीएसटी में दो गेट होंगे, एक गेट तो होगा नॉर्मल स्कीम की तरफ, एक गेट होगा स्पेशल स्कीम की तरफ। अगर वो नॉर्मल स्कीम में जाएगा तो सारे कंप्लाइंस पूरे करने पड़ेंगे, नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अलग अलग रेट एप्लीकेबल करने पड़ेंगे, काफी सारी बातें अलग अलग होंगी। बट अगर वो स्पेशल स्कीम में जाएगा तो काफी सारे कंप्लाइंस तो कम हो जाएंगे बट कई सारे डिसएडवांटेज भी हो जाएंगे। अब सुनना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, और आज की पूरी क्लास में ना सर इस चैप्टर को हमें इस तरह से रिवाइज करना है कि हम रिवाइज तो करके जाएं बट अगर आज हमारे पापा हमसे पूछें कि बेटे मैं जीएसटी में कौन सी स्कीम लूं, तो पापा को रिवीजन क्लास के बाद ही कंसल्ट कर पाएं कि पापा सर ने आज हमें यह सिखाया है कि ये आपकी नॉर्मल स्कीम है, ये स्पेशल स्कीम है। अब इसके बेस पे हम कैसे गाइड करेंगे कि नॉर्मल लेंगे या स्पेशल लेंगे, वो सारी बातें आज हमें देखनी है, ठीक है। और अगर मैं स्पेशल स्कीम लेता हूं तो स्पेशल स्कीम में कौन कौन से रेट एप्लीकेबल होंगे, किस तरह से रेट एप्लीकेबल होंगे, वो सारी बातें आपको यहां पे पढ़ने को मिलेंगी जी, ठीक है नी? तो मेरी फैमिली का हर बच्चा बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाए, बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाए। आने वाला 1-1.5 घंटा आपने बिल्कुल यहां पर ध्यान देना कि जो बातें हमें यहां पर पढ़नी है जी। अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब यहां पर ना सबसे पहला देखो, मैंने यही काम लिखा हुआ है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिट स्कीम एंड नॉर्मल स्कीम, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा ना सर, आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी ये दिमाग में सोचा ही नहीं होगा कि नॉर्मल और कॉम्पोजिट में फर्क क्या है। आपने क्लास में जब भी चैप्टर किया होगा, मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने डिफरेंस किए होंगे, मे बी अगर आपने कहीं और से कोचिंग ली होगी या सेल्फ स्टडी की होगी तो डायरेक्टली आपने चैप्टर स्टार्ट कर दिया होगा। मतलब क्लास में आपने ये पढ़ा होगा छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उन बिजनेसमैन को स्कीम मिलती है, इतनी टर्नओवर होनी चाहिए, इतना रेट होना चाहिए, ये रिटर्न फाइल करोगे, ऐसे पेमेंट करोगे, इन इन लोगों को स्कीम नहीं मिलती, इन लोगों को स्कीम मिलती है, एग्रीगेट टर्नओवर ये होती है, इस तरह से टैक्स निकालते हैं, ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। मैं कह रहा हूं ये सारी बातें 100% सही हैं, ये सारी बातें 100% सही हैं, बट अगर आपको यही नहीं पता कि हम स्पेशल स्कीम की तरफ क्यों जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल स्कीम और स्पेशल स्कीम में फर्क क्या है, कि ऐसा नॉर्मल स्कीम में जाने से क्या होगा और स्पेशल स्कीम में जाने से क्या होगा, अगर यही नहीं हमें पता तो स्पेशल स्कीम समझने का फायदा ही नहीं है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये देखने जा रहे हैं कि आज अगर एक बिजनेसमैन है या अगर सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स की सप्लाई करने वाला है या गुड्स एंड सर्विस दोनों की सप्लाई करने वाला है, तो अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इन दोनों में से मुझे किस तरफ जाना है, तो आप दोनों में क्या डिफरेंस बताओगे, वो सारी बातें पहले देख लेते हैं जी। ठीक है जी, आओ जी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक करो, देखो जी यहाँ पे अब सबसे पहला गवर्नमेंट कह रही है, एक तरफ तो मैंने लिखा है जी नॉर्मल स्कीम में क्या होगा, एक तरफ लिखा है स्पेशल स्कीम में क्या होगा। हर बच्चा अपने दिमाग की इमेजिनेशन से याद करने की कोशिश करेगा कि आपने नॉर्मल स्कीम और स्पेशल स्कीम में क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था जी। एक बार चेक करो, अगर मैं नॉर्मल स्कीम की बात करूंगा ना, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि नॉर्मल स्कीम जो है वो आपके सेक्शन 9 में कवर है जी। याद करो हमने सेक्शन 9 चार्टिंग सेक्शन किया था, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, वो सारी बातें किसकी थी, वो नॉर्मल स्कीम की बातें थी। बट अगर मैं कंसेशनल स्कीम की बात करूंगा जी, अगर मैं कंसेशनल स्कीम की बात करूंगा या मैं कॉम्पोजिट स्कीम की बात करूंगा, दोनों का मतलब एक ही है, वो सेक्शन 10 में कवर होगी और 10-2A में कवर होगी, बस ये बात ध्यान देना जी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना कि जीएसटी में नॉर्मल स्कीम किस सेक्शन में कवर है, आंसर क्या बनेगा, 9 में कवर है। एग्जाम में क्वेश्चन बना कि जीएसटी में कंपोजिट स्कीम किस सेक्शन में कवर है, तो सेक्शन 10 में भी कवर होगी और 10-2A में भी कवर होगी। अब सेक्शन 10-1 जो है वो किसका है और 10-2A जो है वो किसका है, वो सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। बट पहली बात ये समझो कि सेक्शन 10 कंसेशनल स्कीम का है और सेक्शन 9 जो है वो नॉर्मल स्कीम का, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन नॉर्मल स्कीम लेता है, मान लो आपके फादर साहब ने नॉर्मल स्कीम ली, आपके फादर साहब ने नॉर्मल स्कीम ली, आपके फादर कहते हैं कि विवेक मुझे ना कॉम्पोजिट स्कीम में नहीं आना, मुझे नॉर्मल स्कीम में जाना है, तो सेकंड पॉइंट ये होगा कि आपके फादर अगर नॉर्मल स्कीम लेते हैं तो आपके फादर आईटीसी क्लेम कर पाएंगे जो भी उनकी इनवर्ड सप्लाई होगी। मतलब अगर कोई पर्सन नॉर्मल स्कीम लेगा तो वो अपनी इनवर्ड सप्लाई पर जो जीएसटी पे करेगा उसका वो आईटीसी क्लेम कर लेगा। आईटीसी का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं जी, याद करो ये सारी बातें मैंने आपको वहां पर डिस्कस की थी कि इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो गवर्नमेंट अब ये बात कहना चाह रही है कि नॉर्मल स्कीम वाले अगर कोई नॉर्मल स्कीम में कवर है, वो जो भी इनवर्ड सप्लाई होगी उस इनवर्ड सप्लाई पर जो भी वो जीएसटी पे करेगा उसका वो आईटीसी क्लेम कर लेगा, ये बातें नॉर्मल स्कीम की होती है। बट अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिट स्कीम में जाना चाहता है, अच्छा वैसे कोई बताएगा कॉम्पोजिट स्कीम नॉर्मली गवर्नमेंट किसके लिए लेकर आई, अगर किसी को पता हो कॉम्पोजिट स्कीम नॉर्मल गवर्नमेंट किसके लिए लेकर आई है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी। एक बात मैंने सोच के बताना जी आपको, मैंने पहले भी कई बार एग्जाम्पल दिया है और पूरे चिप्स के पैकेट से मैंने पहले भी कहा था कि हम जीएसटी की रिवीजन कंप्लीट करेंगे। अब चिप्स के साथ में एक ये लाइट मतलब डाइट नमकीन का पैकेट और यहाँ पे आ गया। एक बार सोच के बोलना सर, मान लो मेरी करियाने की दुकान है, लेट्स एन एग्जांपल मेरी करियाने की दुकान है, मेरी करियाने की दुकान में चिप्स होते हैं, नमकीन होती है, बिस्किट है, दूध है, दही है, सब कुछ पड़ा हुआ है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरी पूरे साल में टर्नओवर जो है ना टोटल मिला के मान लो 40-50 लाख रुपये है। अब अगर पूरे साल में टर्नओवर 40-50 लाख रुपये है, आप सबने जीएसटी पढ़ा है, अगर एक दिन आपने अपने फादर साहब को जिनकी करियाने की दुकान है या किसी भी अंकल को अगर आपने बोल दिया कि अंकल आपको बताया कि जीएसटी में इतनी रिटर्न फाइल करनी है, सर आपको जान के हैरानी होगी, जिस दिन इंडिया में जीएसटी आया था उस टाइम मार्केट में इतनी अफवाह मच गई थी कि एक साल में 37 रिटर्न फाइल करनी है। अब तो कितनी है, आप 37 नहीं है, अगर मैं नॉर्मल स्कीम में कवर हूं आज नॉर्मली एक साल में 25 रिटर्न आर भी जाती है जी, महीने की 2 रिटर्न जाती हैं, साल में 24 जाती है, एक एनुअल टोटल मिला के 25 जाती है। हाँ जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक होती है उनकी थोड़ी कम जाती है, बट सोच के बोला सर 25 रिटर्न में कोई कम नहीं होती। अब अगर 25 रिटर्न मुझे फाइल करनी हो, आपके फादर को अगर बोलूँ कि अंकल आपको ना 25 रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी, इतने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी, पापा पता क्या बोलेंगे, भाई साहब ऐसा करो मैं धंधा करूँ या मैं तुम्हारे काम संभालूँ। तो पापा ने बोला ऐसा कर बेटा, फिर ना मेरे लिए ना कोई सीए मेंटेन कर ले या सीएस मेंटेन करवा ले। मैं कह रही अंकल वो सैलरी तो लेगा, 50,000 महीना सैलरी लेगा। अब सोच के बोला जिस अंकल की जिसके पापा की इनकम ही पूरे साल की 40,000 रुपये है, जिसके फादर की इनकम ही पूरे साल की 40,000 रुपये है, 30,000 रुपये इनकम है पूरे साल की कह रहा हूँ, पर महीने की मतलब पर मंथ सैलरी, जिनके पापा सैलरी मीन्स मतलब बिजनेस से आने वाली इनकम, अगर आपके फादर को एक महीने में 30,000 या 40,000 बचते हैं और अगर वही 40-30,000 रुपये वो सीएस को देने पड़ जाए सारा काम संभालने के लिए, तो फादर कमाएंगे क्या। मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब कंप्लायंस कोस्ट अगर इतनी बढ़ जाएगी और अगर कंप्लायंस कोस्ट बढ़ जाएगी उसके चक्कर में बिजनेस ही इतना ग्रो नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी। तो आपके फादर कहते हैं साहब हमें ना कोई ऐसी स्कीम बता दो कि हमें ये देखना ही ना पड़े हमने क्या सप्लाई किया, रीजन क्या। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, आज अगर मान लो मैंने नमकीन सेल की है, आज अगर मैंने चिप सेल की है, ये कई बच्चे भी बातों में लगे हुए हैं चैट बॉक्स में, मैं सही बता रहा हूं सर, सच्चे दिल से बोल रहा हूं, पाप लगेगा देख लो, एक एक बच्चे का नाम नोट हो रहा है, एक एक बच्चे का नाम नोट हो रहा है,
और ये बहुत गलत बात हो चुकी है आपकी, बहुत गलत बात हो चुकी है चैट बॉक्स में ऐसे बातें करना। थोड़ा संभल जाओ सर, थोड़ा संभल जाओ, आपका भाई हूँ यार, बड़े भाई की बात मान लिया करो कभी कभी, आपके भले के लिए बोलता हूँ। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। अब ये चिप्स का पैकेट है, ये नमकीन का पैकेट है। अगर मैं नॉर्मल स्कीम में कवर होता हूँ, मान लो नमकीन पे रेट अलग है, चिप्स पे रेट अलग है। अब अगर मैंने नमकीन की सप्लाई की, अलग रेट लगेगा। चिप्स की सप्लाई की, अलग रेट लगेगा। बिस्किट की सप्लाई की, अलग रेट लगेगा। दूध की सप्लाई की, ये सप्लाई की, अलग अलग सप्लाई पर अलग अलग रेट लगेंगे। तो अंकल कह रहे हैं, बेटा मेरे को ना कुछ ऐसा बता दे कि मैं इन सारे गुड्स की जितनी सप्लाई करूं उन सब पर एक ही रेट एप्लीकेबल हो, मतलब मुझे क्लासिफिकेशन करना ही ना पड़े। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब सर पापा कहना क्या चाह रहे हैं, पापा कह रहे हैं कि बेटा मेरे को ऐसा बता कि मैं अगर चिप्स की सप्लाई करूं तो भी सेम रेट लगे, नमकीन की सप्लाई करूं तो भी सेम रेट लगे, अगर बिस्किट्स की सप्लाई करूं तो भी सेम रेट लगे, मैं अगर कोई भी सप्लाई करूं रेट सेम ही एप्लीकेबल हो, कुछ ऐसा बता। मैं कहा पापा फिर तो आपको कॉम्पोजिट स्कीम में जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पोजिट स्कीम में आने के बाद नो डाउट आपको कई सारे फायदे तो होंगे, बट ये भी ध्यान रखना कि कई सारे नुकसान भी हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा फायदे नहीं होंगे, फायदे बहुत सारे होंगे, बट आपको बहुत सारे नुकसान भी होंगे। अब फायदे और नुकसान क्या होंगे वही बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर आज की क्लास को रिविजन क्लास मत मान के चलना, आज की क्लास को आप प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मान के चलना। आज आप कुछ घर ऐसा सीख के जाओगे ना कि वाकई आप मुझे अप्रिशिएट करके जाओगे जब क्लास खत्म होगी कि वाकई आज हमने कुछ पढ़ा है। सर आपको ये लगेगा कि जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा है वो तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पर आपको ये लगेगा कि चैप्टर हमें पूरा समझ में आ गया। सही बता रहा हूँ सर, मतलब इस डिफरेंस में ना, इस डिफरेंस में ही पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, और जबकि मैं सेक्शन कोई स्टार्ट नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, बट ये डिफरेंस ही ऐसे होंगे, ये अपने आप में चैप्टर खत्म कर देंगे जी। तो एक बार सेकंड डिफरेंस देखना जी, सेकंड डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि भैया आईटीसी नॉर्मल स्कीम वालों को आईटीसी मिल जाएगा, मतलब जो भी वो सामान परचेज करेंगे वो आईटीसी क्लेम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं नॉर्मल स्कीम में हूँ जी, अब अगर मैं नॉर्मल स्कीम में हूँ, मैंने मान लो पीछे से चिप्स का पैकेट परचेज किया, इस चिप्स के पैकेट पर 10 रुपये का जीएसटी पे किया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस 10 रुपये के जीएसटी पर तू आईटीसी क्लेम कर लेगा अगर तूने नॉर्मल स्कीम ली है। और अगर वही तूने कंसेशनल स्कीम ली है तो जो भी तूने 10 रुपये का जीएसटी पे किया होगा उसका सिंगल आईटीसी भी तू क्लेम नहीं कर पाएगा, रीजन बिंग तूने कंसेशनल स्कीम ली है। तो अगर हम तुझे फायदे देंगे, ध्यान सुना जी, गवर्नमेंट कह रही है अगर हम तुझे फायदा देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान भी देंगे, तेरे को आईटीसी नहीं देंगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर इस गुड्स पर मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी कॉस्ट में ऐड करूंगा, और जैसे ही कॉस्ट में ऐड करूंगा तो कहीं ना कहीं कैस्केडिंग की बात आएगी जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, कल मुझे कई बच्चों ने कहा सर सेक्शन 17 में जिन केस में आईटीसी ब्लॉक है, कल मुझे कई बच्चों ने डाउट पूछे कि सेक्शन 17 में जिन केस में आईटीसी ब्लॉक है तो वहां तो वो कॉस्ट में ऐड करेंगे, कैस्केडिंग होगा। मैं कहा बिल्कुल होगा। कहता साहब आपने कहा था कैस्केडिंग खत्म हो गया, मैंने कहा साहब मैंने ये नहीं कहा था कैस्केडिंग पूरा खत्म हो गया, मैंने कहा था कैस्केडिंग कम हो गया। तो कैस्केडिंग तो सर आज भी है, जीएसटी आने के बाद भी कैस्केडिंग है, कहां पे है, 17(5) में। अब सोच के बोला जिन जिन केस में आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे वो सारा कुछ कोस्ट में ऐड करोगे, और जैसे ही कोस्ट में ऐड करोगे तो कैस्केडिंग तो होगा सर। और वही सेम चीज यहां, अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली है, पिछले वाले जीएसटी का मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, कोस्ट में ऐड करूंगा, और जैसे ही कोस्ट में ऐड करूंगा कहीं ना कहीं कैस्केडिंग की बातें तो होंगी। बट हाँ, पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि जब भी आज के बाद किसी भी क्लाइंट को अगर कंसल्ट करोगे कि तू स्कीम कौन सी लेना चाहता है, उसको ये बता देना कि भाई अगर तू नॉर्मल स्कीम लेगा इनवर्ट सप्लाई पर आईटीसी क्लेम कर लेगा, अगर तू नॉर्मल स्कीम नहीं लेगा कंसेशनल स्कीम लेगा तो इनवर्ट सप्लाई पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, ये दो डिफरेंस बोल देना जी। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बोलो जी, अभी तक आपने दो डिफरेंस बताई हैं जी। इमेजिन करके चलो क्लाइंट हमारे सामने है, हम सीएस बन चुके हैं, वैसे भी सीएस बनने में कुछ ही घंटे बाकी हैं सर, सीएस बनने में कुछ ही घंटे बाकी है, मेरी पूरी फैमिली में कोई पूरा विश्वास है मेरी पूरी फैमिली एक दिन सीएस बन के दिखाएगी मुझे और प्राउड फील कराएगी, पेरेंट्स को और मुझे जी। मुझे फटाफट से आंसर देना, क्लाइंट हमारे पास आया कह रहा बताओ रही स्कीम में कौन सी जाऊं, मैं कहा नॉर्मल के लिए 9 पढ़ ले और कंसेशनल के लिए 10 पढ़ ले। मैं कहा नॉर्मल में केस में जाएगा तो इनवर्ट सप्लाई पर आईटीसी क्लेम कर लेगा, और अगर कंसेशनल में जाएगा तो इनवर्ट सप्लाई पर आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। उसके बाद जी देखो यहां पे फोटो देखो जी, अब अगर मान लो ये मिस्टर वाई है, इसने नॉर्मल स्कीम ली हुई है, इसने जो सामान पर जीएसटी पे किया ये आईटीसी क्लेम कर लेगा जी, और इसने जो सामान पर जीएसटी पे किया होगा ये आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। एक बच्चा लगातार अपने दिल में क्वेश्चन उत्पन्न करके बैठा है, उसका ना मैसेज टाइप हो चुका है, बस ऑलमोस्ट मैसेज टाइप है, वो माता रानी के डर से मैसेज नहीं कर रहा, उसके दिमाग में डाउट सुनो क्या जी। कह रहा भाई मुझे तो नहीं लग रहा यार विवेक सर सही बता रहे हैं। कह रहा भाई मैंने तो ना ये पढ़ा था क्लास में, जब मैंने सेल्फ स्टडी की थी
या मान लो कहीं से भी कोचिंग ली थी, कह रहा भाई मैंने तो ये पढ़ा था कि कंसेशनल स्कीम वाले तो जीएसटी पे ही नहीं करते, भाई कॉम्पोजिट स्कीम वाले तो जीएसटी पे ही नहीं करते, और जब कॉम्पोजिट स्कीम वाले जीएसटी पे ही नहीं करते तो फिर ये आईटी से लेने की बात कहां आ रही है। दूसरा बच्चा कह रहा है भाई बात तो तू सही कह रहा है, कह रहा पढ़ा मैंने भी यही था कि वो तो जीएसटी पे नहीं करते, उन पे कंसेशनल टैक्स लगता है, तो जब जीएसटी ही पे नहीं करेंगे तो उस केस में आईटीसी की बातें कहूंगी, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये जीएसटी जीएसटी सर कैसे कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे भिंडी, मेरे कद्दू कलर के बच्चे, मेरे अदरक, मेरी हरी मिर्च, मेरी काली मिर्च, ध्यान सुना, अब आपने पढ़ा पता क्या था, आपने पढ़ा सही था, आप बोल गलत रहे हो। इवन आप में से कई बच्चों के मन में ये डाउट उत्पन्न हो सकता है, उन्होंने पढ़ा सही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं सबने सही पढ़ा होगा, आप बोल गलत रहे हो। आपको क्लास में यह पढ़ाया गया होगा कि बेटे कॉम्पोजिट वाले कंसेशनल स्कीम वाले जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। सर बहुत ध्यान सुनना, पे करना और चार्ज करने में जमीन आसमान का फर्क है, याद करो मेरे बेटे आईटीसी की चैप्टर, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे छोनू, आईटीसी का चैप्टर याद करो। आईटीसी के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था इनवर्ड सप्लाई पर तुम जीएसटी पे करते हो, आउटवर्ड सप्लाई पर तुम जीएसटी चार्ज करते हो। अब सोच के बोला अगर मैं कंसेशनल स्कीम लेता हूं तो कंसेशनल स्कीम क्या मेरी इनवर्ड सप्लाई पर लगेगी या आउटवर्ड सप्लाई पर लगेगी? आउटवर्ड सप्लाई पर लगेगी सर। सर इनवर्ड सप्लाई पर तो, इनवर्ड सप्लाई पर तो स्कीम एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई का मतलब मेरा परचेज हो गया ना, सेल कौन कर रहा है? वो सेलर। अब वो सेलर ने कौन सी स्कीम ली होगी वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो अपने बिल में क्या चार्ज करेगा। नहीं यार ये बात समझ में, मैं जिसके पास सामान लेने के लिए गया अगर उसने नॉर्मल स्कीम ली है तो वो तो जीएसटी ही चार्ज करेगा ना सर मुझसे, क्या मैं उसको जाके ये बोलूंगा भैया भैया मैंने कंसेशनल स्कीम ली है जीएसटी चार्ज मत करना? वो बता क्या बोलेगा, हेलो भाई कहां से आया है? कि तूने कंसेशनल स्कीम ली है मैं जीएसटी चार्ज ना करूं, ये कहां से पढ़ लिया? तूने कंसेशनल स्कीम ली है तू अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, ये तो मेरे पास सामान लेने के लिए आया है, ये तेरी इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई पर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, रीजन बिंग क्योंकि मैंने नॉर्मल स्कीम ली हुई है। तो मेरी फैमिली के दिमाग में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि जीएसटी की बातें कहां से हो रही हैं। सर जीएसटी की बातें इनवर्ड सप्लाई पर हो रही हैं, जीएसटी की बातें आउटवर्ड सप्लाई पर नहीं हो रही। और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया आईटीसी नहीं मिलेगा, और आईटीसी मिलता है किस पर है? इनवर्ड सप्लाई पर। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर आपने नॉर्मल स्कीम ली हो, कंसेशनल स्कीम ली हो, इवन अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो तो भी इनवर्ड सप्लाई पर तो आप जीएसटी पे करके आते हो, ठीक है? तो देखो उन्होंने क्या लिखा है जी, अगर कॉम्पोजिट वाले ने मिस्टर एक्स से कोई सामान परचेज किया, जीएसटी पे किया, तो उसका आईटी से क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर जब मिस्टर वाई जेड को सामान सेल करेगा तो उस पर फिर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, वो कंसेशनल टैक्स चार्ज करेगा। सेकंड डिफरेंस तो ये हो गया। अच्छा आप देखो तीसरे डिफरेंस पे आओ जी, तीसरा डिफरेंस हम सेकंड डिफरेंस से ही निकालेंगे। जो हम तीसरा डिफरेंस करेंगे, सीधे होके बैठो जी, बिल्कुल सीधे होके बैठो, तीसरा डिफरेंस जो हम करेंगे वो सेकंड डिफरेंस से ही करेंगे। तीसरा डिफरेंस क्या है, एक बात मुझे सोच के बोलना जी। मान लो आपके फादर ने नॉर्मल स्कीम ली है, पूरी क्लास मुझे आंसर देगी, पूरी क्लास आंसर देगी। मान लो आपके फादर ने नॉर्मल स्कीम ली है, आपके फादर ने अगर नॉर्मल स्कीम ली है तो आपके फादर ने ना, मतलब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेचा, तो आपके फादर ने मान लो जीएसटी पे किया था 1200 रुपए का, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1200 रुपए का जीएसटी पे किया था, और जो उन्होंने आगे जीएसटी चार्ज किया वो जीएसटी चार्ज किया 1500 रुपए का। अब सोच समझ के बोलना जी, आपके फादर ने नॉर्मल स्कीम में थे, 1200 रुपए का जीएसटी पे किया था और 1500 रुपए चार्ज किया। अब अगर आपके फादर ने, अंकल अगर सामने बैठे हैं, आपके फादर अगर सामने बैठे हैं, मेरा उनसे ही क्वेश्चन है, अंकल आप एक बात बताना, अगर आपने 1200 रुपए का जीएसटी पहले पे किया था और आपने जीएसटी की नॉर्मल स्कीम ली थी तो क्या आपने आईटीसी क्लेम किया होगा, नहीं क्लेम किया होगा? अंकल बोल दो फटाफट से, आईटीसी क्लेम किया होगा, नहीं क्लेम किया होगा? यस क्लेम किया होगा। और अंकल मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने 1500 रुपए चार्ज किया, तो जब 1500 रुपए लेके आप गवर्नमेंट को देने जाओगे तो क्या 1500 रुपए की ही पेमेंट करोगे या पेमेंट करोगे 300 रुपए की? पेमेंट करोगे 300 रुपए की। और अंकल फटाफट से बोल दो, और बच्चों को भी दिखा दो, आप उनसे बड़े हो, फटाफट से बोला अंकल 300 रुपए कैसे दी? अंकल कह रहे बेटे सिंपल सी बात है, 1500 रुपए देने के लिए जाऊंगा, 1200 मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं, 15 - 12 कितने हो गए, 300 रुपए नेट देने पड़ेंगे। मैं अंकल बस यही बातें नॉर्मल स्कीम में होती है, बट अगर यही आपने कंसेशनल स्कीम ली होती थी, मेरा पूरी फैमिली के हर बच्चे से क्वेश्चन है, अगर फादर ने कंसेशनल स्कीम ली होती और पापा ने यहां पे 1200 रुपए का जीएसटी दिया होता और आगे कंसेशनल टैक्स मान लो 1500 रुपए चार्ज किया होता, तो सर आपके फादर 1500 रुपए ही गवर्नमेंट को देके आते। रीजन, क्योंकि 1200 रुपए का आईटीसी मिलता ही नहीं।
ये फर्क है दोनों के अंदर सर, ये फर्क है दोनों के अंदर। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान देगा, रटने वाला हर बच्चा ये बात ध्यान देगा जी कि आउटवर्ड सप्लाई पर नॉर्मल स्कीम में जीएसटी की पेमेंट होती है नेट करके, और कंसेशनल स्कीम में जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई पर पेमेंट करोगे उसको नेट करके निकलोगे, जो भी आपकी टर्नओवर की परसेंटेज निकल के आएगी वही पूरा अमाउंट पे करोगे, कोई आईटीसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जी। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या लिखा है पॉइंट नंबर थ्री जी। पॉइंट नंबर थ्री में नॉर्मल स्कीम है तो जीएसटी कैसे पे करते हैं, जो आपका आउटपुट टैक्स होगा माइनस में आईटीसी, ये नेट जीएसटी पे करोगे। और अगर कंसेशनल स्कीम लोगे तो टैक्स कैसे पे करेंगे, जितनी तुम्हारी टर्नओवर होगी उसका कंसेशनल रेट जो होगा, अब वो कंसेशनल रेट क्या है थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, इतना आपको पे करना पड़ेगा। देखो वही बात लिखी है, अगर 1200 रुपये दिए हैं 1500 आगे है तो 300 रुपये नेट पे कर रहे हैं, 1200 पीछे दिए हैं आपने 1500 रुपये, यहाँ जीएसटी का मतलब है कंसेशनल टैक्स, इट मीन्स कंसेशनल टैक्स 1500 रुपये है तो आपको 1500 ही पे करने होंगे, 1200 का कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये डिफरेंस नंबर थ्री है जी। आ रहा है मजा समझने का, आज लग रहा है ना कि वाकई कॉम्पोजिट वाला चैप्टर कर रही है, क्योंकि सर आप अगर बिना डिफरेंस के समझोगे ना तो समझने का मजा ही नहीं है, क्योंकि सर प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाओगे आप। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ सर, एग्जाम क्लियर करना और एग्जाम के बाद प्रैक्टिकली काम करना बहुत फर्क है, आपको प्रोफेशनल के अंदर आना है, और जब आप प्रोफेशनल के अंदर एंट्री करें ना, मेरी फैमिली का हर बच्चा उसको वाकई पता होना चाहिए कि हमने एग्जीक्यूटिव में जीएसटी पढ़ा है, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी प्रोफेशनल के अंदर, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो तीन डिफरेंस हमने क्लियर कर दिए जी, मुझे फटाफट से तीनों डिफरेंस बोल दो जी, एक बार कौन कौन से है जल्दी बोलो। अब चैट बॉक्स भर जाइए, अब चैट बॉक्स भर जाए, मैं दो मिनट पानी पी रहा हूं, आपने चैट बॉक्स में आंसर देने। डिफरेंस नंबर वन जी, डिफरेंस नंबर वन जल्दी बोलो, डिफरेंस नंबर वन क्या है नॉर्मल स्कीम के लिए, नॉर्मल स्कीम के लिए सेक्शन नंबर 9, कॉम्पोजिट के लिए सेक्शन नंबर 10, डिफरेंस नंबर वन। सेकंड, नॉर्मल स्कीम में क्या आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कंसेशनल स्कीम में आईटीसी नहीं मिलेगा। तीसरा डिफरेंस आ रहा है, नॉर्मल स्कीम में जो भी आप टैक्स पे करोगे आईटीसी माइनस करने के बाद पे करोगे, और कंसेशनल स्कीम में जो भी आप टैक्स पे करोगे आईटीसी बिना माइनस के पे करोगे, क्योंकि वहां पे आईटीसी का बेनिफिट मिलता ही नहीं है। ये बात क्लियर हो गई, अब सुना ध्यान से अगला क्या जी, अगला केस ये है, अगला केस ये है, आपके फादर मेरे को बुलाते हैं कह रहे विवेक इधर आ। अच्छा, आजकल आपको पता है पूरी की पूरी फैमिली जीएसटी की रिवीजन क्लास देख रही है, मुझे एक दो बच्चों ने वीडियो भेजी पूरी फैमिली की, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी है, दो भाई हैं, सिस्टर है जो मेरी स्टूडेंट है, मतलब पूरी फैमिली ना ऐसे होकर क्लास देख रही है। मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मुझे इतना प्राउड फील हुआ, ये मैंने कभी सपने देखे थे सर, सही बता रहा हूँ सर, मैंने जब बोलता हूँ इमोशनल हो जाता हूँ, ये मैंने सपने देखे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और सच्चे दिल से पढ़ा रहा हूँ और पूरी फैमिली क्लास देख रही होगी। तो बच्चों ने मुझे भेजी ना कि सर देखो ये पूरी फैमिली क्लास देख रही है, मम्मी है, और कई एक बच्चे ने दादा दादी मतलब पूरी इतना परिवार है मुझे चलो मैं इमोशनल रहता हूँ इस बात में ना, मतलब मुझे इतना बढ़िया लगता है कि मेहनत जो कर रहा हूँ ना, बस मैं कहता हूँ भगवान मेहनत सफल करे, सही बता रहा हूँ सर, भगवान मेहनत सफल करे, इतनी सच्चे दिल से मेहनत। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने लिए भी पता नहीं की होगी नहीं की होगी, जब मैं सीए फाइनल में था सर, से इतनी मेहनत मैंने अपने लिए भी नहीं की, इतनी थी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस एक है, स्वार्थ मेरा है सर, स्वार्थी तो मैं हूँ, एक स्वार्थ है मेरा, आपके पेरेंट्स के चेहरे पर जिस दिन यहाँ से ऐसे आंसू टपक रहे होंगे ना सर, और जब आप उन्हें हक करोगे आपको यहाँ पर लगेगा कि मम्मी पापा रो रहे हैं, उस दिन आप देखना कितना आप मैं कह रहा हूँ, मत पूछो सर, आप वो दिन नहीं भूल पाओगे जिंदगी में सर, वो दिन भूल नहीं पाओगे आप, जब उनकी आंखों में आंसू होंगे ना, वो आपको गले मिलेंगे, वो जो दो दिन बार यहाँ पे फोरहेड किस करेंगे, आपसे गले मिलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे जब ऐसे हाथ फेरेंगे, नहीं आपको पता नहीं सर वो कितना आपके ना अंदर से एक डायरेक्शन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब उस टाइम आपको फील होगा कि यार मैं आज मतलब मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं हूँ, और उस उसके लिए आपने काम करना है सर, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल देखना सबसे बड़ा मोटिवेशन है सर, इससे बड़ा मोटिवेशन संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, मैं सही बता रहा हूँ सर, ये बेकार की बातें हैं, इसके लिए करना उसके लिए करना, पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेशन नहीं है, आपको उसके लिए काम करना है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो वापिस आओ, अब सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी, चौथा डिफरेंस सुना, चौथा डिफरेंस क्या, तीन डिफरेंस क्लियर हो गए, फोर्थ डिफरेंस पे आ रहा हूँ जी। अब डिफरेंस नंबर फोर ये बात कहता है, जैसे मान लो आपके फादर सामने बैठे, पापा सामने बैठे, कहते बेटे ना मेरी करियाने की दुकान है और मेरी टर्नओवर 40-45 लाख रुपए की है, तो मैं ना इतने सारे कंप्लाइंस पूरे करना नहीं चाहता, तो
मैं कहा अंकल कंसेशनल स्कीम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेशनल स्कीम ले लो। कंसेशनल स्कीम अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि 150 लाख तक टर्नओवर होती है, तो आप 150 लाख तक अगर टर्नओवर है तो आप कंसेशनल स्कीम ले सकते हो, आपकी टर्नओवर तो 50 लाख है, आराम से आप ले सकते हो। कहते ठीक है बेटे मैं कंसेशनल स्कीम ना ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब मान लो चिंटू के फादर ने, बच्चे का नाम है चिंटू, चिंटू के फादर ने मान लो कंसेशनल स्कीम ले ली। अब जब चिंटू के फादर ने कंसेशनल स्कीम ले ली तो चिंटू के फादर कंसेशनल स्कीम लेके बैठे हैं और पता क्या कर रहे हैं, दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं। और जैसे दूसरी स्टेट में सप्लाई करने लगे, हरियाणा के रहने वाले हैं, पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं, पंजाब में सामान सप्लाई हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। बच्चा कहता है पता कैसे लगेगा गवर्नमेंट को, सर अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जाते हो रस्ते में चेकिंग होती होगी ना, बिल्कुल चेकिंग होती है, इनवॉइस था नहीं, क्यों इनवॉइस क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट स्कीम है, और अगर कंपोजिट वाला है टैक्स इनवॉइस होगा नहीं, बिल ऑफ सप्लाई होगा। अब जैसे देखा कह रहे थी बिल ऑफ सप्लाई, कह रहे भाई ये बिल किसका है, बात कराओ जी बाबूजी से। तो चिंटू के फादर ने फोन उठाया, उन्होंने कहा नहीं हाँ जी की दिक्कत आ, भाई क्या दिक्कत आ गई आपको भाई, कह रहे थी आपका सामान पकड़ा गया, आप पंजाब में सप्लाई कर रहे हो, आपका बिल ऑफ सप्लाई है, टैक्स इनवॉइस कहाँ है, कह रही मैंने कंसेशनल स्कीम ली हुई है। अब जैसे ही कंसेशनल स्कीम ली हुई है, डिपार्टमेंट ने कहा भैया चलो हरियाणा वापस चलो, हरियाणा में वापस चलो, ये सामान तुम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर कोई पर्सन कंसेशनल स्कीम ले लेता है, अगली डिसएडवांटेज ये है कि वो इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकता। अब गवर्नमेंट कह रही है इंटर स्टेट सप्लाई हमने क्यों करने से मना किया, चिंटू के फादर मान लो बिफर गए, चिंटू के फादर कह रहे हैं हाँ भाई क्यों मना किया भाई इंटर स्टेट सप्लाई करने को, भाई क्या दिक्कत है तुम्हें, मैं दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहा हूं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट कह रही भाई साहब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं छोटा बिजनेसमैन हूं, एक तरफ तो कह रहे हो कि आप छोटा बिजनेसमैन हूं, मैं सारे कंप्लायंस पूरे नहीं कर सकता, मेरे को नहीं पता इतने सारे कंप्लायंस, और दूसरी तरफ आप दूसरी स्टेट में सप्लाई करने की सोच रहे हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप दूसरी स्टेट में सप्लाई करने की सोच रहे हो मतलब आप अपना बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हो, और अगर बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हो तो कंसेशनल स्कीम तुम्हारे लिए नहीं है, तो इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले कंसेशनल स्कीम नहीं ले सकते। मतलब अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ले ली है, अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ले ली है तो मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। यह बात ध्यान देना जी, मेरे पास समझ में आ रही है, अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ले लिया मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। अब मनीषा कहती कहती सर तो फिर मेरे पापा साथ बैठे हैं, मेरे पापा पूछ रहे हैं कि मैं तो इंटर स्टेट सप्लाई करता हूं और मेरी टर्नओवर 60 लाख रुपए की है तो क्या मैं कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकता। मैं कहा अंकल ले सकते हो, मैं कहा अंकल बिल्कुल स्कीम ले सकते हो। अच्छा उधर फिर पिंटू के फादर बोल पड़े, चिंटू के फादर सॉरी, कह रहे भाई ये क्या मतलब हुआ कि अभी गवर्नमेंट कह रही है इंटर स्टेट सप्लाई तुम नहीं कर सकते और तुम मनीषा के फादर को बोल रहे इंटर स्टेट सप्लाई पर कॉम्पोजिट स्कीम ले सकते हो। मैं कहा अंकल दोनों के अंदर फर्क है, मैं कहा अंकल दोनों के अंदर फर्क है, ध्यान रखना लो ये बात कह रहा है कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद तुम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। ये थोड़ा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं दूसरी स्टेट में अभी सप्लाई कर रहा हूं, अभी तो मैं कॉम्पोजिट में कवर ही नहीं हूं, और जब तक मैं कॉम्पोजिट में ही कवर नहीं हूं, हेलो जब तक मैं कॉम्पोजिट में ही कवर नहीं हूं तो मैं किसी भी स्टेट में सप्लाई करूं तुम्हें फर्क क्या पड़ता है। हां ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ये मैं लिख के दे रहा हूं कि जब मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले लूंगा उसके बाद मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को इस बात में दिक्कत है तो आपने शायद कॉम्पोजिट स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन की होगी। आप याद करो क्लास में एग्रीगेट टर्नओवर में हम इंटर स्टेट सप्लाई भी ऐड करते हैं, पता ही नहीं होगा ना सर, कभी ध्यान दिया ही नहीं होगा, बस रट लिया होगा कि ये रटा होगा एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई ले लो। अरे मेरे भैया एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई ले लो, सारी में कौन कौन सी, आज मैं आपको दिखाऊंगा सारी में कौन कौन सी आती हैं। आज आपकी आंखें खुलेंगी जब मैं दिखाऊंगा कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है। सर एग्रीगेट टर्नओवर में आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं होगा, या दिया होगा तो आपको पता नहीं होगा, एग्रीगेट टर्नओवर में इंटर स्टेट सप्लाई भी आती है। और इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है कि कॉम्पोजिट स्कीम लेने से पहले जो तुमने इंटर स्टेट सप्लाई की थी वो भी तुम्हारी टर्नओवर में काउंट होगी, उसके बेस पे चेक करेंगे तुम एलिजिबल हो या नहीं हो, और अगर तुम एलिजिबल हो और तुम कॉम्पोजिट स्कीम ले लेते हो उसके बाद तुम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो मेरी फैमिली का बच्चा किसी को बाहर कंसल्ट मत करे सर, गलत कंसल्ट मत कर देना कि भाई तू इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तू स्कीम ले ही नहीं सकता, ये मत बोल देना। उसको ये बोल देना तू इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तेरी एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे, अगर तेरी 150 लाख तक होगी तो एलिजिबल बन जाएगा, बट हाँ हमारी ये बात सुन ले कि अगर फिर तू कॉम्पोजिट स्कीम लेता है ना तो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा, तू कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा, ये लाइन सही बोलनी है आपने। क्योंकि सर आप जो बोल रहे हो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो
कि भैया अगर कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है, मतलब मान लो मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हूं, आप तो मुझे कह रहे हो कि अगर मैं इंटरस्टेट कर रहा हूं मैं स्कीम ले ही नहीं सकता, ऐसा कहां लिखा है? ऐसा कहां लिखा है बच्चा? कह रहा है सेक्शन में लिखा है, सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ लो, सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ लेना सर। सेक्शन की लैंग्वेज में लिखा है जो पर्सन कॉम्पोजिट स्कीम ले चुके हैं वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं अभी कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर हैं, तो उनको आपने कैसे बोल दिया कि आप स्कीम नहीं ले सकते? सिर्फ इस बेस पे क्या वो इंटरस्टेट कर रहे हैं? क्या पता वो कॉम्पोजिट लेने के बाद इंटरस्टेट ना करें वो। और लॉ में यही तो लिखा है कि कॉम्पोजिट वाले इंटरस्टेट नहीं कर सकते। तो मेरी बातें समझ पा रहे हो? ये एग्रीगेट टर्नओवर की गेम है और यही गेम है बच्चा, यही गलती करके आता है। एग्जाम में लिखा होता है इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट, बच्चा कह रहा है इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट स्कीम, बड़ा बड़ा लिखा है। एग्जामिनर कहता है भाई साहब ऐसे ही बच्चे चाहिए, आ जाओ आ जाओ, 10% नहीं 5% रिजल्ट आएगा, 5, क्योंकि 95 बच्चा यही गलती करके आएगा, इंटरस्टेट देख के बोलाएगा स्कीम ही नहीं ले सकता। इट मींस उसने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ी तो है फिर रट्टी है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं जी, आप भी क्या याद करोगे। ये देखो जी, ये ICAI का मॉड्यूल है, ये ICAI का मॉड्यूल है। CS वाले बच्चे अपने मॉड्यूल में भी देख सकते हो जी। मैंने इस मॉड्यूल में क्यों दिखाया है CA वाले मॉड्यूल में, क्योंकि इन्होंने डायग्राम बहुत बढ़िया दिए हुए हैं जी, ठीक है। आपके मॉड्यूल में, CS के मॉड्यूल में उन्होंने पैराग्राफ बनाए हुए हैं, तो कई बार ना बच्चे को मिलता नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ जी। इवन मेरी बुक अगर आप देख लोगे, मेरी बुक में आपको मिल जाएगा, जिन बच्चों के पास मेरी बुक है। अब यहाँ कई बार मैं अपनी बुक इसलिए नहीं दिखा रहा, कई बच्चों को लगता है ये तो विवेक सर ने ना लिखा हो ना, ये तो हाँ सही बता रहा हूँ सर, कई बच्चों को लगता है ये तो विवेक सर ने ना लिखा हो, तो क्या तो उन्होंने ही गलत ना लिखा हो, तो इसलिए मैं ना तो अपनी बुक दिखा रहा हूँ ना आपको CS का। ये देखो यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए, द डेफिनेशन ऑफ, बहुत ध्यान से पढ़ना, द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एज मेंशन इन सेक्शन 26 ऑफ द CGS एक्ट इज एनालिसिस। अगर आप इस पे भी विश्वास नहीं कर सकते ICAI पे, अगर आप ICAI पे विश्वास नहीं करते ना, कई बच्चे हैं मेरे को पता है सर, सर मैंने बड़े बड़े बच्चे देखे हैं गूगल पे सर्च करके फोटो भेज देते हैं, और गूगल पे सोच रही होती हैं सर, कभी भी गूगल पे सर्च करके फोटो नहीं भेज जाती, गूगल पे पुरानी नई क्या अपडेशन है क्या पता। मैं कई बार देखता हूँ, मैंने क्लास में एक चीज बताई, बच्चे ने गूगल पे सर्च करके फोटो भेज दी, मैंने उसको दूसरी फोटो भेज दी, बच्चा कर कंफ्यूज हो गया, मैं कहा गूगल की फोटो नहीं चलती। आप हमेशा जब भी डाउट हो आप एक्ट में देखो सर, एक्ट से ट्रस्टेड सोर्स कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको इस पे विश्वास नहीं, पहले ये एक बार ये दिखा देता हूं, इस पे विश्वास नहीं होगा जो कई बच्चों को नहीं होता, मैं एक्ट भी दिखा दूंगा जी। ये देख लेना जी, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, क्या कह रहे हैं जी, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, कैसी, टैक्सेबल सप्लाई, देखो रही कौन कौन सी लिखी है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, हेलो इंटर स्टेट सप्लाई, इट एक्सक्लूड, क्या कवर नहीं होगा जी, ऐसे इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है, कोई भी GST सेस ये कवर नहीं होगा, और फिर एग्जम्प्टेड सप्लाई इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली होती है वो भी कवर नहीं होगी। आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में अमेंडमेंट आई थी कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो एग्जम्प्ट होते हैं वो भी आपकी सप्लाई में काउंट नहीं होते। अच्छा अब जो ये इंटर स्टेट सप्लाई वर्ड लिखा है ना, मैंने क्या बोला है किस लिए लिखा है, ये उसलिए नहीं लिखा कि कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद, आपको शायद पता हो कॉम्पोजिट स्कीम जब भी लेनी होती है, मुझे क्या कोई बार चैट बॉक्स में बता पाएगा कॉम्पोजिट स्कीम लेने के लिए हम टर्नओवर किस साल की चेक करते हैं, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताना। अगर मान लो आज हमारी 28 जून है जी, आज हमारी 28 जून 2021 है, तो अगर ये ईयर चल कौन सा रहा है हमारा, अगर ये 28 जून 2021 है, ये साल हमारा चल रहा है 21-22, ये साल हमारा ये चल रहा है ना, क्योंकि 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 22 को खत्म होगा, तो ये साल हमारा चल रहा है 21-22। तो अगर मुझे इस साल कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है, मुझे इस साल कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है, तो क्या मैं टर्नओवर इस साल की चेक करूंगा या पिछले साल की चेक करूंगा, बताना जी, अभी पता लग जाएगा जी। आर कॉफी की कॉफी, चाय की चाय हो जाएगी जी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं, कॉफी की कॉफी चाय की चाय बना दूंगा जी आज। जल्दी बोलो फटाफट से, मुझे टर्नओवर इस साल की चेक करनी है या प्रीवियस ईयर की, जल्दी बोल के बताओ जी, इस साल की या प्रीवियस ईयर की। कई बच्चे हैं सर करंट ईयर लिख रहे हैं बेबी, वो अपनी अपनी ही दुनिया में, वो मेरे को लग रहा है पहली बार GST पढ़ रहे होंगे शायद, नालायक को टर्नओवर हम चेक करते हैं प्रीवियस ईयर की, और सोच के बोला अगर मुझे प्रीवियस ईयर की टर्नओवर चेक करनी है तो क्या उस साल मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई थी, सर क्या मैंने उस साल कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई थी, यार यस नो में तो आंसर दे दो। मैं कह रहा हूं मुझे 21-22 में देखना है कि मैं कॉम्पोजिट स्कीम ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए चेक करूंगा 21-2021 की टर्नओवर। तो अगर 2021 की टर्नओवर चेक करूंगा तो क्या इस साल मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई थी, आंसर इज नो।
आंसर इज नो। और अगर मैंने उस साल कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ली हुई थी तो उस साल क्या पता मैंने इंटरस्टेट सप्लाई क्यों। सर पिछले साल तो मैं इंटरस्टेट कर ही सकता हूं ना, मैं कॉम्पोजिट लेने के बाद नहीं कर सकता, मैं समझाना चाह रहा हूं। और कई बच्चे ये गलत फहमी के अंदर बैठते हैं कि इंटरस्टेट सप्लाई करने वाले कॉम्पोजिट स्कीम ले ही नहीं सकते, वो गलत सोच है। क्योंकि अगर वही सोच होती कि इंटरस्टेट करने वाले कॉम्पोजिट स्कीम ले ही नहीं सकते तो फिर इंटरस्टेट को ये टर्नओवर में काउंट क्यों करते। आपको मैं दिखाता हूं और क्लैरिटी ले लो जी, ये देखो इधर देखना ध्यान से। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू, सॉरी यहां पे ये देखना जी, दी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को भी इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं, एंड इंटरस्टेट सप्लाई माइट बी रेलिवेंट, वो कह रहे रेलिवेंट है, माइट बी रेलिवेंट ओनली वाइल डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और हम भी क्या काउंट कर रहे हैं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और मैंने भी क्या बोला, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। सर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इंटरस्टेट सप्लाई काउंट होगी, जब आप एलिजिबल हो जाओगे, आप स्कीम ले लोगे, फिर इंटरस्टेट नहीं कर सकते। दीज वैल्यू आर नॉट, देखो लिखा है, दीज वैल्यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इन विच द कॉम्पोजिशन सप्लायर हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिट लेवी एज ही इज नॉट परमिटिंग टू मेक इंटरस्टेट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट इन द सेट फाइनेंशियल ईयर। जबरदस्त पैरा दे दिया सर, जबरदस्त पैराग्राफ दे दिया, और वही लाइनें जो हम मैं बुला रहा हूं आपको, जो मैं बुलवा रहा हूं, वही सेम लाइनें इन्होंने यहां पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैं आपकी नजर थोड़ी सी एक्ट पे भी डाल दूं जी। कई बच्चे हैं सर क्लास में, तो उनका थोड़े से ना डाउट क्लियर कर देने चाहिए। नहीं नहीं, बच्चा कह रहे नहीं रहने दो सर, विश्वास आपके ऊपर, विश्वास है मुझे पता है, 99% लोगों को विश्वास है, 1% है वो नालायक बच्चे होते हैं बीच में, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं, उनको अपने ऊपर नहीं है, दूसरे के ऊपर क्या होगा सर, उनको अपने ऊपर नहीं है। ये देख लो जी, ये सेक्शन 26 है। अब ये मेरे घर का तो नहीं है जी, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। ये 26 है, एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग इनवर्स सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है। और देखो क्या काउंट करेंगे, एग्जम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विस और बोथ इंटर स्टेट सप्लाई जी। ओके जी, सेक्शन 26। मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं, कई बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए सर। एक बच्चा कह रहा है भाई ये रिविजन क्लास चल रही है या रेगुलर बैच चल रहा है, ये रिवीजन क्लास ही चल रही है। रेगुलर बैच में मैं छोड़ता नहीं सर, अभी रेगुलर बैच में तो मैं एक क्लास में एग्रीगेट टर्नओवर घुमा दूंगा और उसके डेढ़ क्लास भी ले लूंगा मैं। ठीक है, ये रिवीजन क्लास ही चल रही है। ठीक है, बस मैं रिवीजन क्लास में ये इसलिए यहाँ टाइम लगा रहा हूँ एग्रीगेट टर्नओवर के इस पॉइंट पे, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में एक मिथ होती है, गलत फहमी होती है कि इंटरस्टेट वाले कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते। वो गलत कह रहे हैं, इंटरस्टेट वाले कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते कहना गलत है। आप ये कह सकते हो कि कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, मुझे सही लाइन बोल के बताओ, क्या इंटरस्टेट सप्लाई करने वाले कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते या कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, चैट बॉक्स में लिख के बताना जी। बताओ जी, मेरे को चेयर से खड़ा होना पड़ गया जी आपके चक्कर में, जल्दी बोलो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि इंटरस्टेट सप्लाई करने वाले कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले सकते या कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। सर कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो ये बात हम आके रखे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी हम डिफरेंस कर रहे थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैं डिफरेंस पर वापस आ रहा हूँ। हमारा देखो फोर्थ डिफरेंस यही है जी, देखो फोर्थ डिफरेंस यही है। अच्छा, अभी 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 डिफरेंस नहीं हुआ, अभी डिफरेंस नहीं हुआ। अब मुझे एक बात पाना जी, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। आर वाकई गेम खेलने का मजा आ रहा है जी, आर आपसे ना क्वेश्चन आंसर करने का मजा आ रहा है आर, क्योंकि आप सारे बच्चे एक्टिव हो, बिल्कुल एकदम अलर्ट बैठे हो, ऐसे गेम खेलने का मजा आता है जब ऐसे ऐसे आप आंसर देते हो ना, बहुत अच्छा लगता है जी। इधर देखना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, ये दो लोग हैं, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। ठीक है, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने नॉर्मल स्कीम ली हुई है जी, इसने नॉर्मल स्कीम ली हुई है और इसने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है जी। मिस्टर वाई ने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है, मिस्टर एक्स ने नॉर्मल स्कीम ली हुई है, इसने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर इसने नॉर्मल स्कीम ली है, ये रहने वाला कहाँ का है जी, ये रहने वाला दिल्ली का है। ठीक है, और एक पर्सन है मान लो ए, ये दिल्ली का ही है,
और एक पर्सन है मिस्टर बी, ये हरियाणा का है, ठीक है। एक पर्सन है मिस्टर सी, ये दिल्ली का है। एक पर्सन है मिस्टर डी, ये यूपी का है, ठीक है नी। मतलब दिल्ली हरियाणा, दिल्ली दिल्ली यूपी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहले कॉम्पोजिट स्कीम को छोड़ दो, पहले कॉम्पोजिट वाले को छोड़ दो, नॉर्मल स्कीम की बात करते हैं। क्या मिस्टर एक्स इस पर्सन से सामान परचेज कर सकता है? कर सकता है, यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। दिल्ली वाले से सामान परचेज करेगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। हरियाणा वाले से करेगा तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। जब ये सेल करेगा, दिल्ली वाले को सेल करेगा तो क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। और अगर दिल्ली वाला यूपी वाले को सेल करेगा तो क्या चार्ज करेगा? आईजीएसटी। अब जो इसने पहले जीएसटी पे किया होगा उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी बातें नॉर्मल स्कीम की हैं, इसको बाहर निकाल दो। अब आ जाओ, अगर मिस्टर वाई ने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है तो क्या होगा? ये मिस्टर वाई कॉम्पोजिट वाला है जी, ठीक है। ये मिस्टर वाई कॉम्पोजिट वाला है, और ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, और वाई रहने वाला है दिल्ली का जी, ये दिल्ली का रहने वाला है। मिस्टर ए भी दिल्ली का है, मिस्टर बी यूपी का है, मिस्टर सी दिल्ली का है, और मिस्टर डी यूपी का है। मेरे सवालों का जवाब दे दो जी, सीधे बिल्कुल सीधे होके बैठ जाओ जी। अगर किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, मान जाऊंगा आपने कॉन्सेप्ट सही ढंग से पढ़ाई, मान जाऊंगा जी। आपको इस पर्सन ने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है जी, इस पर्सन ने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है, क्या मान लो इसने कॉम्पोजिट स्कीम ले ली है, ध्यान रखना इसने लेनी है, ये नहीं कह रहा स्कीम ले चुका है, ये स्कीम ले चुका है, क्या ये पर्सन दिल्ली से सामान परचेस कर सकता है? हाँ या ना तो बोल दो यार, क्या ये पर्सन दिल्ली से सामान परचेस कर सकता है? ये दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली से ही सामान परचेस करना है, क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, यस कर सकता है। यहां से यह सामान परचेस करेगा तो क्या देकर आएगा? ये ऑब्वियस बात है सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, क्योंकि वो दूसरे वाला सप्लायर तो चार्ज करेगा ना, ये सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी देकर आएगा। अच्छा, क्या ये पर्सन, ध्यान सुना, क्या ये पर्सन यूपी से सामान परचेस कर सकता है? मजा आएगा सर, मजा आएगा कसम से, मेरे को तो बहुत मजा आएगा। क्या ये पर्सन यूपी से सामान परचेस कर सकता है? आंसर दो सर, इसने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है, सोच समझ के बोलना, इसने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है, और अगर कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है तो क्या दूसरी स्टेट से ये सामान परचेस कर सकता है? हाँ या ना तो बोल दो यार, नो नो, कई बच्चे नो 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 नो, यस यस यस, नो यस यस नो, कई बच्चे लगे हुए हैं। ये जो नो वाले बच्चे हैं, ये मेरे को लग रहा है अपने कान पकड़ा के मानेंगे मेरे को। इधर आओ, क्यों भाई नो, क्यों नो? बच्चा कह रहा है सर ये हाथ जोड़ लिए। सर आपने अभी कहा था कि कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। मैं कहा मैंने भी हाथ जोड़ लिए, मैं कहा मेरे भी हाथ जुड़े हुए हैं। आपने जो लाइन बोली है ना, उस लाइन को दोबारा बोलो। बच्चा कह रहा है मतलब, मैं कहा जो लाइन बोली है उस लाइन को दोबारा बोलो। आपने क्या बोला कि कॉम्पोजिट स्कीम लेने के बाद, हाँ बोलो इंटर स्टेट, बोलो आगे, अगला वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटर स्टेट परचेज नहीं कर सकते या सप्लाई नहीं कर सकते सर, परचेज तो कर सकते हो। अच्छा सर, हम तो रट के बैठ गए थे, हमने एक वर्ड रट लिया था सर, इंटर स्टेट, मेरे को पता था आप वर्ड रट चुके हो, इंटर स्टेट। सर इंटर स्टेट सप्लाई करने पर मना है, इंटर स्टेट पर नहीं है। मतलब कहना पता क्या चाह रहा हूं कि कॉम्पोजिट वाला परचेज कहीं से भी करे, सप्लाई अगर करनी होगी तो सिर्फ इंट्रा स्टेट में कर पाएगा, इंटर स्टेट में नहीं कर पाएगा। देखो जी आगे, तो परचेज यहां से भी कर सकता है, सेल दिल्ली से दिल्ली में कर सकता है, अगर दिल्ली से यूपी करनी है तो क्रॉस है, नहीं कर पाएगा। देखो जी, अब डायग्राम देखो यहां पे, रजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक इंटर स्टेट सप्लाई एज वेल एज इंट्रा स्टेट कैसे भी कर सकते हो। कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सप्लाई, करक्स क्या है, परचेज कहीं से भी करो, सप्लाई ओनली इंट्रा स्टेट होनी चाहिए। देखो जी यहां पे टिक, नॉर्मल पर्सन है, ये तो कुछ भी कर सकता है। कंसेशनल स्कीम वाला यहां पे टिक है, यहां क्रॉस है, मतलब अगर दूसरी स्टेट में सप्लाई, दिल्ली वाला अगर बिहार वाले को सप्लाई करना चाहता है तो पॉसिबल नहीं है जी, पॉसिबल नहीं है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए।
मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि भैया इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, परचेज आप कहीं से भी कर सकते हो, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है। चार डिफरेंस क्लियर हो गए, पांचवे डिफरेंस पे आओ जी। पांचवे डिफरेंस में पांचवा डिफरेंस कह रहा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑफर नॉर्मल स्कीम, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो नॉर्मल स्कीम ले सकता है स्टार्टिंग से ही, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है, 100,00,000 150,00,000 200,00,000 उसमें कोई लिमिट नहीं है। इट मीन्स जैसे ही मैं रजिस्टर्ड हुआ मैं स्टार्टिंग से ही नॉर्मल स्कीम में जाऊंगा। हाँ अगर मुझे कंसेशनल स्कीम लेनी है तो वो मुझे इंटीमेशन देना पड़ेगा, और अगर कोई बच्चा क्लास में कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर पढ़कर आया है यहाँ पे रिवीजन करके आया है, याद करो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7, रूल नंबर 3 से रूल नंबर 7 तक कॉम्पोजिट स्कीम लेने और छोड़ने की बातें करते हैं। आपको मैंने क्लास में कहा भी था कि अगर मुझे कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है तो कौन से प्रोसेस होंगे, कौन से फॉर्म नंबर होंगे, रूल नंबर 3। अगर स्कीम छोड़नी है तो फॉर्म नंबर क्या होंगे, रूल नंबर 6। तो पहली बात ये ध्यान देना कि अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मान लो मैं रजिस्टर्ड हुआ, तो ऐसा नहीं है मुझे स्टार्टिंग से ही कॉम्पोजिट स्कीम मिलेगी, आंसर इज नो, स्टार्टिंग से मुझे नॉर्मल स्कीम मिलेगी। अगर मैं कॉम्पोजिट में जाना चाहता हूं उसके लिए मुझे रूल नंबर 3 फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, ओनली स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑफर कॉम्पोजिट स्कीम, एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 1.5 करोड़ तक होनी चाहिए और 75 लाख रुपए होनी चाहिए और 50 लाख होनी चाहिए। अब ये 50 लाख सर्विस वालों के लिए है, 75 लाख रुपए स्पेशल कैटेगरी स्टेट वालों के लिए है और 1.5 करोड़ रुपए नॉर्मल केस में एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान देना। उसके बाद जी अगर नॉर्मल पर्सन है जी तो GST की रिटर्न फाइल करनी है आपको, 2 तो मंथली और 1 एनुअल, टोटल मिला के 25 रिटर्न फाइल करनी है जी। 25 कैसे, एक तो GSTR 1 जाती है, एक GSTR 3 भी जाती है और एक GSTR 9 जाती है। अब हर महीने की 2 रिटर्न जाती हैं तो 2 तो ये हो गई, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 और 1 ये हो गई 25 रिटर्न आपकी पूरे साल की फाइल होती हैं। कब, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होती है। हाँ अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है तो उस केस में आप क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। बट कॉम्पोजिट वाले केस में एक जमाने में यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न होती थी, अब वो भी एनुअली हो चुकी है। हाँ कॉम्पोजिट वाले में ये मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि ये फायदा है कि सिर्फ 2 रिटर्न फाइल करनी और दोनों ही एनुअली हैं। बच्चा कह रहा है सर 2 एनुअल रिटर्न, आंसर इज यस, आंसर इज यस। जो पहले क्वार्टरली रिटर्न थी, जो पहले क्वार्टरली रिटर्न थी वो एनुअल हो चुकी है और जो पहले एनुअली थी वो तो एनुअली है ही है, बट दोनों की डेट अलग अलग है। और जो ये वाली एनुअल है वो GSTR 4 है और दूसरी एनुअल है GSTR 9A है। मेरे बच्चों अभी अपने रिटर्न वाला टॉपिक रिवाइज किया, ऐसे मत देखो मेरी तरफ, बच्चा घूर के देख रहा है, कह रहा मार देंगे भी अक्सर मार देंगे अभी अभी, ये बताओ ये कहाँ आपने एनुअली बताया रिटर्न वाले चैप्टर में, हाथ नीचे करो हाथ नीचे करो। हाँ हाँ रिटर्न वाले चैप्टर में याद करो, रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर मैंने कहा था GSTR 4 कॉम्पोजिट वाले केस में एनुअल फाइल करते 30 अप्रैल, 30 अप्रैल और 9A 31 दिसंबर, उसी की बात कर रहे हैं जी। देखो जी एक एनुअल फाइल करनी है 30 अप्रैल वाली, एक एनुअल फाइल 31 दिसंबर वाली, टोटल 2 फाइल करनी है GSTR 4 और GSTR 9A, ये दोनों के अंदर फर्क है जी। उसके बाद अगर नॉर्मल स्कीम लेते हो तो आपको हायर टैक्स रेट पे करने पड़ेंगे, इसमें कंसेशनल टैक्स रेट है। नॉर्मल में टैक्स कौन कौन से हैं एक बार रेट बोलना, चैट बॉक्स में रेट लिखो जी, नॉर्मल में रेट कौन कौन से हैं। नॉर्मल में रेट हैं 5, 12, 18, 28, दोबारा बोलो जी 5, 12, 18, 28, एक बार फिर बोलो 5, 12, 18, 28, जबकि कंसेशनल स्कीम में रेट हैं 1% है, 5% है, कुछ केस में 6% है। तो मतलब देखो कहाँ 1, कहाँ 5, ठीक है, फिर 1 के बाद 5 भी है बट वहाँ कहाँ 12, कहाँ 18, कहाँ 28, यहाँ मैक्सिमम जो है वो 6% एप्लीकेबल है सर्विस वाले केस में। तो इसमें लोअर रेट है, इसमें हायर रेट है। 8th डिफरेंस देखो जी, यहाँ डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, यहाँ लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, ये डिफरेंस दोनों में। तो अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आएगा हम बता देंगे भैया इस बुक्स में, इस केस में डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, इसमें कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। नॉर्मल स्कीम में अगला डिफरेंस क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखना पड़ता है, इसमें गुड्स की क्लासिफिकेशन देखनी पड़ती है। सर आपको मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपके फादर दुकानदार हैं, ध्यान सुना जी, अगर आपके फादर दुकानदार हैं और वो कहते हैं जी मैंने चिप्स का पैकेट बेचा है इस पर रेट अलग है, कह रहे मैंने नमकीन का पैकेट बेचा है इस पर रेट अलग है, मैं अभी पार्ले जी लेके आ रहा हूँ मेरे सामने पड़ा है, ये देखो जी, अगर वो ये कहते हैं जी मैंने पार्ले जी, ये देखो मैंने पार्ले जी चिप्स का पैकेट बेचा इस पे रेट अलग है। अब अगर तीनों की वैरायटी है, तीनों की क्लासिफिकेशन जरूरी है, अगर वो नॉर्मल में कवर है, अगर वही कॉम्पोजिट में कवर होते तो इन तीनों पर, इन तीनों की वैल्यू पर एक ही रेट एप्लीकेबल होता, क्योंकि कॉम्पोजिट वाले में गुड्स पर एक रेट है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको, मैंने क्या बोला कि नॉर्मल वाले केस में क्लासिफिकेशन करनी है
याद करो सर, शेड्यूल नंबर टू भूल गए होगे ना, आज से 10 दिन पहले रिवीजन क्लास की थी हमने, 10-12 दिन पहले, वो तो जमाने बीत गए, उसको तो याद नहीं आ रहा होगा। शेड्यूल टू याद आ रहा है? शेड्यूल टू सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस, पैरा 7 है, एंट्री 18 है, 5 गुड्स वाली, 13 सर्विस वाली। हाँ 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 याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा है ना, बस उसी की बात कर रहा हूँ कि वहां क्लासिफिकेशन चाहिए, इस वाले केस में कोई क्लासिफिकेशन की नीड नहीं है। उसके बाद वहां पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो, 18, 19, 19, 20 में 5 करोड़ की लिमिट है, और यहां पे क्वेश्चन ही नहीं है ऑडिट का, क्योंकि 1.5 करोड़ तक तो स्कीम ही मिलती है, और जैसे 1.5 करोड़ से ऊपर होगी मैं स्कीम ही नहीं मिलेगी, तो क्वेश्चन है ही नहीं ऑडिट का। उसके बाद जी यहां पे बर्डन जीएसटी का शिफ्ट हो जाता है कंज्यूमर पर, नॉर्मल वाले केस में। मतलब नॉर्मल वाले केस में क्या करते हैं, हम कंज्यूमर की जेब में हाथ डालते हैं, वहां से पैसा निकालते हैं, फिर गवर्नमेंट को देख के आते हैं, वो नॉर्मल स्कीम है। बट कंसेशनल स्कीम में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी कंसेशनल टैक्स का बर्डन होगा वो कंज्यूमर की जेब पे शिफ्ट नहीं होगा जी। हेलो, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर मैंने क्या बोला कि जो कंसेशनल टैक्स का बर्डन होगा वो कंज्यूमर की जेब पे शिफ्ट नहीं होगा। तो नॉर्मल टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है, बट कंसेशनल टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, यह बात ध्यान देना जी। उसके बाद जी नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन विल इशू टैक्स इनवॉइस, ये टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे नॉर्मल वाले तो, ठीक है, और जो कॉम्पोजिट वाले होंगे, मैंने क्या कहा था, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे जी, ये होते हैं बिल ऑफ सप्लाई। अभी ना दो डिफरेंस और भी हैं, मैंने यहाँ पे लिखवाई नहीं है, ठीक है, मतलब डिफरेंस दो क्या सर, डिफरेंस मैं 5 बनवा दूंगा, डिफरेंस 5 तरह के बन सकते हैं, बट हमें इतने डिफरेंस अब ज़्यादा लिखने नहीं है। ये डिफरेंस मैंने क्यों बताए हैं एग्जैक्टली, आप चेक करो जी, मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया, मैंने कोई सेक्शन स्टार्ट करवाया, आंसर इज नो, बट जिन बच्चों ने पहले ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा ऑलमोस्ट हम सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। अब देखना, अब इस डिफरेंस के बाद रिवीजन करने में कितनी आसानी हो जाएगी। अब तो बस पता क्या होगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप हाँ हाँ बोलते जाओगे, बोलूंगा हाँ बोलोगे, क्यों, क्योंकि आप डिफरेंस पहले ही कर चुके हो, ये फायदा होता है डिफरेंस करने का जी। बट अभी दो डिफरेंस मैं और बता रहा हूँ, फिर 14 के 14 डिफरेंस आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओगे, फिर थोड़ी बहुत बातें और करेंगे, देन फिर अपनी क्लास हम जो करेंगे वो पैकअप की बात करेंगे जी, ठीक है। अब सुना ध्यान से, अच्छा ध्यान रखना, कल हमारा टाइमिंग क्या है जी, कल टाइमिंग क्या है, कल प्रीमियर की टाइमिंग मेरे ख्याल कल ना 7:30 बजे टाइमिंग है, ध्यान रखना, आज भी टाइमिंग 7:30 बजे थी और कल की प्रीमियर की टाइमिंग भी, एक मिनट रुकना, कल की प्रीमियर की टाइमिंग में एक बार बताना कितने बजे हैं, वैसे मुझे तो 7:30 बजे ही लग रही है, एक सेकंड रुक जाओ यार मैं देख लूँ, मैं भूल गया हूँ कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये रहा, कल हमारी 29 तारीख है ना, तो कल 29, हाँ 7:30, कल 7:30 से 8:30 बजे तक है कॉम्पोजिशन लेवी का पार्ट नंबर 2, और फिर कल 10 बजे, अच्छा कल तो ईवे बिल है, ओ माई गॉड, कल तो ईवे बिल है, ईवे बिल, कल तो ईवे बिल की क्लास है, मेरे को लगा कल रिफंड और उसकी क्लास है, चलो कल ईवे बिल की क्लास है, नहीं कल हम ईवे बिल की क्लास लेंगे, ठीक है। तो कल मैं कल 10 बजे लाइव जो कराऊंगा ईवे बिल कराऊंगा जी, ठीक है, कल ईवे बिल करेंगे अच्छे से, ईवे बिल के अंदर भी एक आधा क्वेश्चन पक्का बनता है, उसके अंदर वैसे 2-3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। कल हम ईवे बिल करेंगे लाइव, बट कल 7:30 बजे आ जाना जी लाइव प्रीमियर के अंदर, उसके अंदर हम ये चैप्टर पैकअप कर देंगे जी, ठीक है। दो डिफरेंस कौन कौन से हैं कोई बताएगा, वैसे जिसको थोड़े बहुत याद आ रही हूँ, एक डिफरेंस तो ये है कि अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम लेते हो तो आपको अपने बिल पे लिखना पड़ता है कि मैं कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैं कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, जबकि टैक्स इनवॉइस में ऐसा लिखने की कोई कंडीशन नहीं है। एक और डिफरेंस भी है, कॉम्पोजिट स्कीम वाले अपनी दुकान के बाहर यहाँ पे लिखते हैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, जबकि नॉर्मल स्कीम वाले दुकान के बाहर ऐसा नहीं लगते नॉर्मल पर्सन या कॉम्पोजिट वाले पर्सन, वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दुकान के बाहर कुछ भी नहीं लिखा तो वो नॉर्मल स्कीम में ही कवर होगा, ठीक है। तो इस तरह के दो डिफरेंस और बन सकते हैं, आप जाके 14 डिफरेंस बताइए हैं जी मुझे, फटाफट से इन 14 के 14 डिफरेंस को एक बार रिविजन करा दो, देन फिर आगे बढ़ेंगे जी हम, ठीक है। आओ जी, लो जी फटाफट से बताओ जी 14 डिफरेंस कौन कौन से हैं एक बार दोबारा से जी, इधर देखो ध्यान से, स्टार्टिंग से जी, यहाँ से लो जी, सीधे होके बैठो, मान लो मैं एज ए क्लाइंट आपके सामने आया हूँ जी, मैं एज ए क्लाइंट आपके सामने आया हूँ, मेरी पूरी फैमिली सामने टेबल के ऊपर बैठी है, सीएस बन चुकी है, और जो बच्चे सीए वाले हैं वो सीए बन चुके हैं, जो सीएमए वाले हैं वो सीएमए बन चुके हैं, सारे प्रोफेशनल मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं जी। मैं आया, मैं कहा सर, अच्छा सॉरी मैं एकदम अंदर घुस गया ना, मे आई कम इन,
मे आई कम इन सर, ऐसे नहीं बोलते। अच्छा बच्चा कह रहा है ऐसे नहीं बोलते सर, अब तो नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा वो मैं स्कूल में तो ऐसे बोलते थे, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे अच्छा ठीक है, तो ऐसे ही बोल देता हूँ। चलो मे आई कम इन सर, आ जाऊँ सर, हाँ ठीक है, बैठ जाऊँ सर, नहीं बैठूँ। अच्छा मैं सर मैंने ना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा कि मैं नॉर्मल स्कीम में लूँ या मैं कंसेशनल स्कीम में। मेरे को किसी ने बाहर बताया कि मैं कंसेशनल स्कीम भी ले सकता हूँ, तो मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि मैं कंसेशनल स्कीम लूँ या नॉर्मल स्कीम लूँ। अब आप मुझे कंसल्ट करो कि कैसे कंसल्ट करोगे। अब मान लो आप बोल रहे हो और मैं आपकी तरफ बोल रहा हूँ जी, आपने बोला देखो जी नॉर्मल स्कीम लेनी है और कंसेशनल स्कीम लेनी है, वो चेक कर लेंगे, बट आपको ना मैं दोनों में डिफरेंस बता दूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बेस पे ही डिसाइड करेंगे कि हमें नॉर्मल की तरफ जाना है कंसेशनल की तरफ जाना है। मैं कहा ठीक है सर, आप मुझे बताओ फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप मुझे कह रहे हो देखो जी पहला डिफरेंस तो ये है कि नॉर्मल स्कीम अगर लेनी होगी उसके प्रोविजन जो होंगे वो सेक्शन 9 में होंगे, कंसेशनल स्कीम अगर लेनी होगी प्रोविजन जो होंगे वो सेक्शन 10 में होंगे। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि सर अगर आप नॉर्मल स्कीम लेते हो तो जो भी आप सामान परचेज करके आओगे उस पर जो भी आप जीएसटी पे करके आओगे उसका आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, बट कंसेशनल स्कीम में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, मतलब आपको कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कंसेशनल स्कीम में आ जाती है। फिर तीसरा डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि सर नॉर्मल स्कीम में जब भी आप जीएसटी पे करने जाओगे तो जो आप जीएसटी पे करने जाओगे जो आपने जीएसटी आईटीसी गवर्नमेंट से लेना होगा उसको माइनस करने के बाद बैलेंस पे करोगे, जबकि कंसेशनल स्कीम में ऐसी कोई भी मतलब कंसेशनल स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसेशनल स्कीम में आपको पूरा का पूरा टर्नओवर पे जो कंसेशनल टैक्स होगा वो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद सर फिर अगला डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि नॉर्मल स्कीम अगर आप लेते हो तो आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, इंटर स्टेट सप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी सप्लाई करो, बट अगर वही कंसेशनल स्कीम लेते हो तो आप परचेज तो कहीं से भी कर सकते हो बट इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने कंसेशनल स्कीम ले ली है आप इंटर स्टेट सप्लाई से बाहर हो जाओगे। अगला फिर सर नॉर्मल स्कीम अगर आप लेते हो तो नॉर्मल स्कीम लेने के लिए कोई लिमिट नहीं है, 10, 20, 40 मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप अगर रजिस्टर्ड हो जाते हो आप स्टार्टिंग से नॉर्मल स्कीम लोगे, बट कि कॉम्पोजिट वालों में लिमिट है, 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, 75 की है, 50 लाख रुपए की है, ये टर्नओवर वहां पे लिखी हुई है। उसके बाद सर अगर आप नॉर्मल स्कीम लेते हो तो आपको ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और वहाँ पे कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर नॉर्मल स्कीम में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगी 25 और वही कंसेशनल स्कीम में रिटर्न फाइल करनी पड़ेंगे तो GSTR 4 और GSTR 9 है। फिर नॉर्मल स्कीम में रेट ज़्यादा होंगे आपके, कंसेशनल स्कीम में रेट कम होंगे। सर फिर नॉर्मल स्कीम में क्लासिफिकेशन की दिक्कत होगी, यहाँ क्लासिफिकेशन की दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल स्कीम में ऑडिट करवाना पड़ सकता है, कंसेशनल स्कीम में ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। नॉर्मल स्कीम में टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा या बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। नॉर्मल स्कीम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं दुकान के बाहर बोर्ड लगाने की, कॉम्पोजिट वाले में दुकान के बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा। नॉर्मल स्कीम में इनवॉइस पर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और कॉम्पोजिट वालों में इनवॉइस में लिखना पड़ेगा कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन। आई थिंक मेरे सारे डिफरेंस यहाँ पे कवर हो चुके हैं, बताओ सर इसके अंदर है क्या। और एक बात और रहेगी कि नॉर्मल स्कीम में टैक्स का बर्डन जो है वो कंज्यूमर की जेब पे जाएगा और कंसेशनल स्कीम में हमारी जेब पर बर्डन होगा, हमें खुद ही वो टैक्स पे करके आना पड़ेगा, हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं जी, ठीक है। आओ जी अब फटाफट से आओ जी, ये सारी बातें वही लिखी हैं जी कि ये स्कीम ऑप्शनल है, ठीक है जी। ये स्कीम आपकी क्या है? ऑप्शनल है जी। तो यह एक बार आप रीड कर लेना, मेन जो मुझे आपको दिखाना है यहाँ से दिखाना है। देखो जी यहाँ पे सेक्शन 10 हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एलिजिबिलिटी लिमिट एंड एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। एलिजिबल लिमिट कितने? डिपेंड ऑन नॉर्मल स्टेट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब नॉर्मल स्टेट में इंक्लूडिंग आसाम, जेएनके, हिमाचल प्रदेश, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 8 स्टेट आती हैं जी। अब ये 8 स्टेट कौन कौन सी हैं? 8 स्टेट में ना कई बच्चों ने हिमाचल प्रदेश शायद वहाँ पे लिखा, हिमाचल प्रदेश हटा के उत्तराखंड लिख लेना जी, उत्तराखंड लिख लेना, आपकी नई 8 स्टेट ये वाली हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कई बच्चों ने मे बी गलत हो सकता है सर, क्योंकि ना पहले हिमाचल प्रदेश था, अब वो हट चुका है, अब जो नए हैं, नए नए बोल रहा हूँ, अमेंडेड बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए, एक तो उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं जिनमें आपकी 75 लाख की लिमिट है, ठीक है। और वही लिमिट आपको दिखा देता हूँ, देखो ICAI के मॉड्यूल में, ये देखो जी अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 8 स्टेट, और बाकी ऑल अदर स्टेट्स में लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए की है। इनमें लिमिट कितनी है? 75 लाख की। बस ये पर ध्यान दो जी, ये क्लियर हो गया जी। अच्छा अब इसमें देखना क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट ये बात कहती है, एक मिनट कहाँ पे है, एक सेकंड, हाँ देखो जी इसमें गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल में अगर तुम्हारी नॉर्मल स्टेट में टर्नओवर 150 लाख तक थी या स्पेशल कैटेगरी स्टेट में टर्नओवर तुम्हारी 75 लाख तक थी तो करंट ईयर में तुम्हें 150 लाख तक
या अगर स्पेशल स्टेट में हो तो 75 लाख तक कोई जीएसटी पे नहीं करना, कंसेशनल टैक्स तुम्हें पे करना है, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा और जो टैक्स का बर्डन है वो तुम शिफ्ट नहीं कर सकते। बट जैसे ही लिमिट तुम्हारी 150 लाख क्रॉस करेगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, जैसे ही लिमिट तुम्हारी 150 लाख क्रॉस करेगी उस केस में तुम्हें एक्सेस वैल्यू पर जीएसटी देना पड़ेगा, उतने का तुम्हें आईटीसी मिल जाएगा, बर्डन तुम शिफ्ट कर सकते हो और वहां पे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो जी। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे शिमला मिर्च, मेरी बीन्स, मेरी ककड़ी, मेरे खीरे कलर के बच्चों, बस एक बात ध्यान देना कि भैया पिछले साल अगर 150 लाख तक की टर्नओवर है या 75 लाख तक की टर्नओवर है तो करंट ईयर में, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी मर्जी टर्नओवर हो सारी कंसेशनल स्कीम में कवर होगी, आंसर इज नो। अगर 150 लाख तक टर्नओवर होगी तो करंट ईयर में 150 लाख तक ही स्कीम मिलेगी, ठीक है जी। और 150 लाख तक का मतलब क्या है कि जैसे ही टर्नओवर 150 लाख से ऊपर जाएगी एक्सेस वैल्यू के टैक्स इनवॉइस कटेंगे, उस पर जीएसटी पे होगा, उतनी वैल्यू पर आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो और 150 लाख तक ना तो जीएसटी होगा ना ही कोई आईटीसी होगा और कस्टमर के जेब पे बर्डन नहीं होगा, वो तुम्हारी जेब पे बर्डन होगा। बट हाँ, जब जीएसटी चार्ज करोगे उसका बर्डन जो होगा वो कस्टमर की जेब पे जाएगा जी। ये बात क्लियर है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मुझे और बतानी है। ये बात तो क्लियर हो गई कि भैया कंसेशनल रेट, अब ये कंसेशनल रेट कौन से होंगे वो हम देख लेंगे। वैसे मैंने क्या बोला, 1% है मैन्युफैक्चरर वाले केस में, ट्रेडर वाले केस में भी 1% है, और अगर रेस्टोरेंट की सर्विस होती है तो वहाँ पे आपका 5% है, और अगर कोई नॉर्मल सर्विस होती है, अदर सर्विस होती है, वहाँ पे 6% है जी। बट मुझे मेन बात ये बतानी है कि जब आप सेक्शन 10 पढ़ोगे ना, मतलब जब कॉम्पोजिट स्कीम वाला, आप चैप्टर पढ़ोगे, आप उस चैप्टर को ना ध्यान से पढ़ना, अगर किसी बच्चे ने ध्यान से देखा हो, उस चैप्टर में ना ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 10 पूरे एक्ट को ओवरूल करता है। मतलब सेक्शन 10 को ओवरूल करता है 9394 को छोड़ के। मतलब सेक्शन 10 एक तरह से पूरे एक्ट को ओवरूल करेगा 9394 छोड़ के। अच्छा, 9394 किसके हैं? रिवर्स चार्ज। 9394 रिवर्स चार्ज के हैं। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब यह है, देखो जी यहां पर चेक करना जी, एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है जी, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 10 ओवरूल सेक्शन 91 मींस, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई नहीं पे करना, आउटवर्ड सप्लाई पे नॉर्मल टैक्स पे नहीं करना, आउटवर्ड सप्लाई पे कंसेशनल टैक्स पे करना है। इन अदर वर्ड्स, सेक्शन 10 कंप्लीट जीएसटी को ओवरराइड करता है एक्सेप्ट 9394। ये बात क्लियर है? अगर इनवर्ड सप्लाई आरसीएम में कवर है तो आरसीएम में जीएसटी देना होगा, इवन इफ असेसी ने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की हो। बिल्कुल सही बात बोली है जी। इसका मतलब क्या है, ये देखो यहां पे, अब ये देखना जी, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एग्जांपल आपके सामने है, इस पर्सन ने नॉर्मल स्कीम ली हुई है जी। मान लो मिस सी है, इसने नॉर्मल स्कीम ली हुई है, ये मिस्टर डी को सप्लाई कर रही है, मिस ई को सप्लाई कर रही है, यहां पर जीएसटी चार्ज करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने मिस्टर ए से कोई सप्लाई ली है जो 9394 में कवर है, और मिस्टर बी से कोई सप्लाई ली है जो 9394 में कवर नहीं है, अदर देन 9394 है, तो इस पे तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ठीक है। तो मिस सी इसको जीएसटी पे करेगी, ये पे करेगा गवर्नमेंट को, फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो गया। बट इस वाले केस में 9394 में कवर होगा तो क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, मतलब मिस सी यहां पे रिसीवर है, ये जीएसटी पे करेगी। ये सारी बातें अभी तक हमने सीखी है, बोल दो हाँ सर, हाँ तो बोल दिया करो, यस या नो, यस, ये सारी बातें हमने सीखी है ना। इट मीन्स इस केस में रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, ये सारी बातें हमने सीखी हैं। मेन मुद्दा ही निकल क्या रहा है कि अगर मिस सी इस केस में कॉम्पोजिट स्कीम लेके बैठती फिर क्या होता? फिर वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर तो जीएसटी चार्ज ना करती, कंसेशनल टैक्स लगाती। इनवर्ड सप्लाई जो मिस्टर बी से है, जो 9394 में नहीं है, तो वहां तो जीएसटी लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, ये जीएसटी पे कर देगा, वही सेम बात जो लास्ट वाले एग्जांपल में थी। बट मेन पता क्या फर्क पड़ेगा? मेन फर्क पड़ेगा जो सप्लाई मिस्टर ए ने की है जो 9394 में कवर है, उसमें मिस सी को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में? सर, अगर मिस्टर ए ने सप्लाई की है 9394 में जो रिवर्स चार्ज में कवर है, गवर्नमेंट कह रही है चाहे मिस सी कंसेशनल स्कीम में कवर क्यों ना हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, चाहे मिस सी कंसेशनल स्कीम में कवर क्यों ना हो, इसको जीएसटी गवर्नमेंट को देने जाना पड़ेगा और इसको सारे कंप्लाइंस पूरे करने पड़ेंगे एज इट इज, मतलब उसको ये मान के करने पड़ेंगे जैसे वो नॉर्मल स्कीम में ही है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक बात ध्यान देना कि अगर आप 10 वाले हो
बट आपकी इनवर्स सप्लाई कोई रिवर्स चार्ज में कवर हो जाती है तो जीएसटी आपको ही पे करना पड़ेगा। आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि मैं तो नॉर्मल स्कीम में नहीं हूँ, मैं कंसेशनल में हूँ तो मैं जीएसटी क्यों दे कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कह रही है जाके एक बार सेक्शन 10 पढ़ लो। सेक्शन 10 में हमने साफ साफ लिखा है, सेक्शन 10 में साफ साफ लिखा है कि 9394 को छोड़ के तुम सब कुछ ओवरऑल कर सकते हो, 9394 नहीं कर सकते। मतलब अगर ऐसी कोई इनवर्स सप्लाई, तुमने कोई ऐसा गुड्स परचेस किया या ऐसी सर्विस परचेस की जिस पे रिवर्स चार्ज है, चाहे तुमने कॉम्पोजिट स्कीम क्यों ना ली हो, तुम्हारी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को जीएसटी देकर आने की। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो बातें हमने क्लास में देखी थी, दो एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाई हैं, ये दोनों एग्जाम्पल अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी। अब अमेंडमेंट क्या किया जी, अमेंडमेंट पहले 100 लाख की लिमिट थी एक जमाने में, अब वो 150 लाख हो चुकी है, 75 लाख की 75 लाख है। पहले 9 स्टेट थी, अब 8 स्टेट हो चुकी हैं। आसाम शिफ्टेड टू नॉर्मल स्टेट, पहले आसाम आपका स्पेशल स्टेट में कवर था। अब आपको 8 स्टेट याद करनी है, और 8 स्टेट कौन कौन सी, इसकी फोटो क्लिक करके चाहे इसका कोई निमोनिक बना लेना, कुछ भी कर लेना चाहिए, हमारे से बनेगा नहीं। इतना तो पता है कैसे बनाओगे, नाग मनी को त्रिपुरा और मिजोरम घुमा के लेके आया, नाग मनी को त्रिपुरा और मिजोरम घुमा के लेके आया, फिर नाग बोलती मुझे मेघालय उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भी जाना है। बच्चा कह रहा है क्या बना दिया सर आपने यार, अब मतलब जो भी है यार तुम याद कर लेना यार। नाग मनी को त्रिपुरा मिजोरम घुमा के लेके आया, नाग मनी को त्रिपुरा मिजोरम घुमा के लेके आया, और नाग बोलती मेरे को मेघालय भी जाना है, मेरे को उत्तराखंड भी जाना है, मेरे को अरुणाचल प्रदेश भी जाना है, मेरे को सिक्किम भी जाना है। बस तो चार स्टेट वो, चार स्टेट ये, इन 8 स्टेट में 75 है, बाकी सब केस में 1.5 करोड़ रुपये की लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी, अब ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन जी, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में, अब ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा मैंने आपको बता दिया जी। इधर देखो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन एक बार दोबारा दिखा दूँ, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में सारी आउटवर्ड सप्लाई कवर होंगी जी, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जम्प्टेड हो, एक्सपोर्ट हो, इंटर स्टेट हो। बट अगर कोई इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो कवर नहीं होगी, कोई भी जीएसटी और कोई भी सेस वो कवर नहीं होगा। और जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है कौन सी, एग्जम्प्टेड सप्लाई कौन सी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। प्रोफेशनल वाले बच्चे समझ पाएंगे, उन्होंने एग्जम्पशन एंट्री की होंगी क्लास में, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट अगर ये दोनों वर्ड अगर दिए होंगे, ये जीएसटी में ना एग्जम्प्ट होते हैं, ये एग्जम्पशन लिस्ट में कवर होते हैं, तो वो भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करने। आपको मैं दिखा देता हूं जी, ये देखो जी एक्सप्लेनेशन 1, एग्रीगेट टर्नओवर में गवर्नमेंट कह रही है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ए पर्सन डिटरमाइन हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल अप टू द डेट व्हेन ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब आपको कह रहे हैं जी सारी टर्नओवर काउंट करनी पड़ेगी अप्रैल से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर, बट शैल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड डिपॉजिट लोन एडवांस इन सो फॉर एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। आपने लोन दिया आपको इंटरेस्ट मिला वहाँ से, आपने डिपॉजिट दिए इंटरेस्ट मिला, आपने एडवांस दिए इंटरेस्ट मिला या डिस्काउंट हुआ, उस केस पर आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई काउंट कर लेना, एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई काउंट करना, सारी सप्लाई मीन्स आउटवर्ड सप्लाई। मैं दोबारा बोलूंगा एग्रीगेट टर्नओवर में सारी आउटवर्ड सप्लाई काउंट कर लेना, तीन को छोड़ देना बस। तीन कौन कौन सी, ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो कवर नहीं होगी, उसके बाद जी कोई भी टैक्स कोई भी सेस कवर नहीं होगा, मतलब जीएसटी और सेस कवर नहीं होगा, और तीसरा मैंने क्या बोल दिया इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो है ये भी तुम्हें एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करना है, ठीक है। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर तुम्हारी 150 लाख तक होगी तो करंट ईयर में जो तुम्हारी टर्नओवर होगी जब उस पर तुम टैक्स पे करोगे कंसेशनल रेट से, वो जो आएगा वो तुम्हें गवर्नमेंट को दे के आना पड़ेगा जी, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन 2 क्या है इसको हम समझेंगे कल, इसको मैं समझाऊंगा कल जी, जब कल हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। और बाकी एक पॉइंट मुझे आपको और यहां पे कराना है, अभी एक पॉइंट और कराना है, उसके बाद फिर हम क्लास पैकअप करेंगे जी, सिर्फ एक पॉइंट और करेंगे, बाकी फिर हम करेंगे कल की क्लास में। 5 मिनट रुक जाओ बस, सिर्फ 5 मिनट, चल रहा हूँ, जा रहा हूँ बस सिर्फ 5 मिनट। मेरा लास्ट पॉइंट ये है, मान लो मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूँ जी, सीधे मेरे बच्चे सीधे होके बैठो कोई बात नहीं, 5 मिनट की बात है, देखो मैं भी तो खड़ा हो गया ना सर, मैं भी तो सुबह का खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, देख लो सुबह का, ठीक है जी। तो आप भी तो मेरा साथ दे सकते हो ना, आपको तो बोलना नहीं है बस बैठना है। बच्चा कह रहा है सर बोलते बोलते नींद नहीं आती, सर बोलते बोलते गला थक जाता है नालायक,
बोलते बोलते गला थक जाता है, नींद की छोड़ो, गला जो थक जाता है, गला बैठ जाता है, फिर गरारे करो दिन में 2 टाइम, फिर गर्म पानी पियो, तब जाके फिर दोबारा से आवाज़ आती है, इस तरह से काम चलता है। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो मैं गुड्स का सप्लायर हूँ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ना कई सारे गुड्स के सप्लायर ऐसे हैं जो साथ में सर्विस भी देती हैं, जो साथ में सर्विस, सिर्फ सर्विस नहीं कह रहा, सिर्फ सर्विस नहीं कह रहा, मैं एसी सेल करता हूँ, साथ में एसी को रिपेयर करने की सर्विस भी देता हूँ, टीवी सेल करता हूँ, टीवी को रिपेयर करने की सर्विस देता हूँ। अब जो साथ में सर्विस दे रहा हूँ, तो अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूँ, साथ में सर्विस देना चाहता हूँ, तो क्या मैं सर्विस दे सकता हूँ? बोल दो फटाफट से हाँ या ना। यस, दे सकता हूँ, बट एक लिमिट तक, एक लिमिट तक। कितनी लिमिट है बताना फटाफट से, कितनी लिमिट है? जो आपकी टर्नओवर है, जितनी आपकी टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर। मैं दोबारा बोलूंगा, यहां पे एक बार चेक करना, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। देखो जी, ए पर्सन हु ओप्ट टू पे टैक्स अंडर क्लोज ए और क्लोज बी और क्लोज सी मे ऑप्शनल है, ऑप्शनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, क्योंकि वो तो आप वैसे भी दे सकते हो, ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग, मतलब आपकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे ज्यादा? 10% ऑफ टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और यहां पे ना 5 लाख आएगा, और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब इनमें से जो भी ज्यादा होगी ना, इतनी तुम सप्लाई कर सकते हो। बट अब जो ये तुम टर्नओवर काउंट करोगे, वही गवर्नमेंट लिखा है कि टर्नओवर में वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली लिमिट काउंट नहीं करोगे, मतलब इंटरेस्ट डिस्काउंट को बाहर निकाल के जो तुम्हारी टर्नओवर होगी उसका निकाल लो 5%। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट ऑफ 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर इज विल बी इन एडिशन टू एग्जम्प्ट इंटरेस्ट और डिस्काउंट, मतलब वो उसके अलावा है। तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट को अलग छोड़ के जो तुम्हारी टर्नओवर होगी उसका 10% और 5 लाख जो हायर होगी वहीं तक तुम सर्विस दे सकते हो जी। एक बच्चा कहता है सर सर्विस वाले केस में तो 50 लाख की लिमिट नहीं थी, मेरे बच्चे 50 लाख रुपए की लिमिट तब है जब मैं सिर्फ सर्विस देना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ सर्विस देना चाह रहा हूं, मेरा काम अगर सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर है, वो सर्विस रेस्टोरेंट की सर्विस नहीं है, क्योंकि अगर मैं रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा हूं फिर 150 लाख की लिमिट है। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर मैं रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहा हूं फिर 150 लाख की लिमिट है। अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के कोई भी सर्विस, एक्सक्लूसिव सर्विस देना चाहता हूं, एक्सक्लूसिव सर्विस, फिर 50 लाख की लिमिट है। तो यहां मैंने क्या बोला, मैं एक्सक्लूसिव सर्विस देना चाह रहा हूं या गुड्स के साथ में सर्विस देना चाह रहा हूं? गुड्स के साथ में सर्विस। तो अगर गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहते हो, आप गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो साथ में सर्विस देना चाहते हो, गुड्स के ट्रेडर हो साथ में सर्विस देना चाहते हो, आप रेस्टोरेंट सर्विस वाले हो रेस्टोरेंट सर्विस के साथ में कोई दूसरी सर्विस देना चाहते हो, तो इस सर्विस की वैल्यू कितनी होगी? 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना ये उसकी बात कर रहे हैं कि 50 लाख की लिमिट ना, 50 लाख की लिमिट तो है सेक्शन 10(2)(a) जो हम कल रिवाइज करेंगे, तुम्हारा कल का टारगेट ही वही है 10(2)(a). ठीक है, तो कल हमें पढ़ना ही वही है कि 10(2)(a) जो है उसमें 50 लाख की लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और 50 लाख की लिमिट है किसके लिए। बट इतनी बात ध्यान देना कि ये जो लिमिट है वो एक्सक्लूसिव सर्विस की नहीं है, गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहते हो उस केस में लिमिट एप्लीकेबल होगी 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर जी। ठीक है जी, चलो बाकी यहीं तक करते हैं आज। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के जितना बैलेंस आपका चैप्टर पढ़ा है इस नोट्स के अंदर, आपने घर से एक बार प्लीज घर से पढ़ के आना, कल 7:30 बजे से पहले सारा टॉपिक पढ़ लेना, आपके मैक्सिमम आधा घंटा नहीं लगेगा जी। और अगर आपने मुझे आधा घंटा दे दिया, कोशिश करना चाहे सोने से पहले ना, अभी सोने से पहले आधा घंटा पढ़ के सो जाना, क्योंकि सर कल पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कल सुबह उठेंगे उस टाइम क्या माहौल होगा, क्योंकि अभी तो पता है कि अभी आपको सोना है या अभी आपके जो भी काम होंगे उससे पहले ना आधा घंटा पढ़ लो, ये सोच लो आज क्लास हमारी 12 बजे तक है। एक बच्चा तो कह रहा ऐसे उबासियाँ ले रहा है, नालायक बच्चा, मतलब कई बच्चों को तो बस नहीं चलता सर, कई बच्चों को भगवान भी हैरान है उन्हें बना के, भगवान भी हैरान है उन्हें बना के कि 24-24 घंटे बच्चे सो सकते हैं। कई बच्चे अपनी आधी जिंदगी सोने में गुजार रहे हैं, आधी जिंदगी सोने में गुजार रहे हैं जी, 12-12 घंटे। बच्चा कह रहा है सर कहाँ 6 घंटे, जो 6 घंटे की नींद नहीं है, 6 घंटे की नींद तो नॉर्मल है जो क्लास में सोते हो तुम, मुझे सब तुम्हारा पता है सर क्लास में तुम कितना सोते हो, उधर क्लास चल रही होती है, बच्चा कहता है टीचर को लगता है बच्चा हाँ हाँ कर रहा है, बच्चा अपने ले चलूं तुझे तारों के शहर में, धरती पे दुनिया तो प्यार ना करने देगी, बच्चा वो काम कर रहा है, मंगल ग्रह पे पहुंच चुका है बच्चा। इधर देखो ध्यान से री, ठीक है री, तो एक बार आपने बस जो बैलेंस टॉपिक है एक बार आधा घंटा लगेगा, सिर्फ आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा एक बार पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ आधे घंटे के बाद ना बुक्स बंद कर देना, चाहे चैप्टर पूरा हो ना हो, मेरे कहने से आधा घंटा एक बार चैप्टर पढ़ लो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा जी।
बाकी कल हम 7:30 बजे रिवाइज करेंगे, कल इसको पूरा पैकअप कर देंगे, आपको मैं एग्रीगेट टर्नओवर का क्वेश्चन भी करा दूंगा और इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, टेंशन मत लेना जी। कई बच्चे ना टेंशन में है कि सर एमसीक्यूज तो हमारे अभी हो नहीं रहे, टेंशन मत लो सर, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं एमसीक्यूज के लिए एक अलग सेशन अलग से रख लूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना जी। तो एमसीक्यूज भी करेंगे बट कल मैं एग्रीगेट टर्नओवर का एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ भाई एग्रीगेट टर्नओवर निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो कल 7:30 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाना, लाइव प्रीमियर चलेगा 7:30 से लेकर 8:30 या 9:45 बजे तक, जो भी चलेगा, और उसके बाद फिर रात को 10 बजे ईवे बिल, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ईवे बिल के लिए हम लाइव आएंगे रात को 10 बजे जी, ठीक है। चलो जी बाकी फिर मिलते हैं जी, शायरी शायरी कल सुनाऊंगा लाइव में पक्का, शायरी कल वादा रहा सर, कल बढ़िया सी शायरी सुनाऊंगा लाइव सेशन के अंदर, ठीक है। चलो जी ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय मेरे नोनू मेरे सोनू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और अगर अच्छी लगे तो अपना प्यार जरूर देना सर, ठीक है, और अगर नहीं लगे तो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं जिन्होंने करना होता है, ठीक है, उनको मैं कितनी बार बोलूँगा। बाकी सर एक शायरी मुझे यार बच्चे ने भेजी थी वो कल सुनाऊँगा, ठीक है, ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच, बाय बाय।